मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखो एक बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, मार्केट जहां पर एनवेव बनाता है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनवेव का मतलब क्या हुआ, मार्केट देखो सपोर्ट पे बैठा है और मार्केट ने एनवेव बनाई है अपनी ये वाली, इसका मतलब मार्केट अगर इसके ऊपर खुल रहा है तो एक बाय साइड में चलने की कोशिश करेगा या नहीं, राइट? ऐसा होगा तो हम अपना देखो अपना व्यू हम नहीं रख सकते। कल रात को मैं जबकि आपको क्लास को भी ये बोल रहा था कि शायद मैंने आपको भी बोला होगा कि अगर मार्केट इसके नीचे चलेगा तो हम सेल साइड में रहेंगे। यस, ऐसी कोई बात हमारी हुई है क्यों बसंत जी? हमने यस करा सर था ऐसी बोलिए। बात रात को, लेकिन देखो हम कभी भी अपने डिसीजन पर स्टिक नहीं रहेंगे। स्टॉक मार्केट अपने डिसीजन पे करेक्ट स्टक रहने वाला मार्केट नहीं है। मतलब मैं बोल रहा हूं कि मार्केट नीचे रहेगा, लेकिन किस कंडीशन में नीचे रहेगा? जब मार्केट नीचे खुलेगा या आज गैप डाउन खुल जाता तो हम सेलिंग कर सकते थे या नहीं? मार्केट खुल रहा है पॉजिटिव में, पॉजिटिव में का मतलब 19750 पे चल रहा है, 19750 हुआ यहां पर कहीं पर, इसका मतलब मार्केट तो गैप अप खुल रहा है, तो गैप अप खुलने का मतलब हम सेलिंग की तरफ नहीं जा सकते सीधा सीधा, राइट? एक एक मेरे पास कॉल पड़ी है, देखते हैं इसका जो भी होगा तो इसको हटा देंगे। विप्रो की एक कॉल पड़ी हुई है 410 की, देखते हैं मार्केट कहां पर खुलेगा, इसको मैं हटा देता हूं। और बाकी हमारी होल्डिंग्स कौन कौन सी हैं, ये सारी हमारी होल्डिंग्स है, हमने सारी होल्डिंग रखी हुई है, आइडिया की भी रखी हुई है। और एलआई देखो हमने कल जब लाइव ट्रेड करा था, मेरे को ध्यान नहीं, आप लोग उसमें थे कि नहीं थे, एलआईसी को हमने ज्यादा नहीं रखे थे, हालांकि बाद में मैंने एवरेजिंग पे भी डाल दिया लेकिन ज्यादा नहीं रखे थे मैंने। तो ये हो सकता है कि आज जो आपका ये पीएनबी है, पीएनबी थोड़ा सा ऊपर खुल जाए, 80 के आसपास खुल जाए, शायद हो सकता है, पॉसिबल ऐसा कि शायद ऐसा हो जाए क्योंकि मार्केट आज थोड़ा सा गैप अप खोल रहा है, तो ऐसा हो सकता है। तो 19777 पे मार्केट खुल रहा है, 19777 देखो 9-5 हो गए, 19777 का मतलब क्या हुआ, 19777 मतलब यहां कहीं देख रहे। और हमने कल ये भी डिस्कशन किया था कि मार्केट अगर यहां खुलेगा, इतना ऊपर यहां खुलेगा तो एक बाय साइड पकड़ सकता है, 783 784, देखो मार्केट तो टॉप पे जाने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर 790 देख रहे, 790 ये देखिए ऊपर चल रहा है मार्केट, 792, 792 का मतलब यहां कहीं पर, यहां कहीं पर मार्केट यहां कहीं खुलने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं कहां क्या खुलता है मार्केट, तो उसके हिसाब से ट्रीट करेंगे। अच्छा आज हमने क्या करना था बताएं प्लीज। आज गुड हमने मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आज हमने क्या करना था बताएं प्लीज, आज का क्या था हमारा सर आपने हेज का सर बताया था स्ट्रेटजी के ना, ऊपर? हेज करना था, चलो हेज करने की कोशिश करते हैं आज, देखेंगे मार्केट को हेज करने में हमें क्या मिलता है। मार्केट को खुलने देते हैं, 9:06 हो रखे हैं, तो अभी भी मार्केट अगर नीचे आया, देखो अभी चल रहा है 92 तक का हाई लगाया इसने, यहां पर यहां तक का हाई लगाया, थोड़ा सा नीचे चल रहा है 73 74 यहां कहीं मार्केट, तो अगर मार्केट इसके ऊपर भी कहीं पर रुक गया, अभी अगर इसके ऊपर भी रुक गया तो भी मार्केट को हम बाय साइड देखेंगे, ठीक है, सेल साइड नहीं देखेंगे, अभी हम बाय साइड ही देखने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं मार्केट कहां पर जाएगा। विप्रो खुल रहा है 402 पर, ठीक है, विप्रो खुल रहा है 402 पर, 402 पर मतलब 402 का मतलब मार्केट आ रहा है यहां पर 402.6, यहां कहीं पर खुल रहा है मार्केट, मतलब गैप अप खुल रहा है, राइट? थोड़ा सा गैप अप खुल रहा है विप्रो भी, और ये सारे स्टॉक भी, और पीएनबी कहां जा रहे हैं, पीएनबी को भी देख ले, पीएनबी कहां पर जा रहा है, पीएनबी कितने पर खुल रहा है, 78.8, पीएनबी भी 78.8 पर खुल रहा है, तो 78.8, 78.8 का मतलब यहां कहीं ऊपर गैप अप खुल रहा है, ये भी ठीक है, दोनों के दोनों मतलब मार्केट थोड़ा पॉजिटिव ही खुल रहा है, ठीक है। ये कॉल देखते हैं, कॉल अगर थोड़ा सा पैसा देगी तो हम इसे हटा देंगे यहां से, कॉल को देखते हैं क्या होता है। चलिए आप पहले तो ये ढूंढते हैं कि हमें अगर हेज करना है तो हमें कहां करना है, राइट है? अगर मैं इसको देखता हूं यहां पर, और आज है ट्यूसडे, मैं चलता हूं इसे वीक पे, और वीक पे देखते हैं मार्केट कहां तक नहीं जा सकता, तो हम दो इसमें लगा लेंगे, एक आपके पास ये होगा मतलब 20-200, 20-200 के आसपास, या थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं,
यहां पर 19-20 हजार कर लेते, ये हो गया 20 हजार और ये हो गया आपका 19,850। तो एक तो 20 हजार का लगाते हैं 20,000 का कॉल राइट है नवंबर का, देखते हैं क्या होता है 20,000 का कॉल, और नीचे मैं बोल रहा हूं यहां तक लगा लीजिए या यहां लगा लीजिए 19,250। तो 19,250 का हम लेते हैं, 250 का पीई लेते हैं, दोनों को रखते हैं, देखते हैं मार्केट क्या बोल रहा है, दोनों में थोड़े बहुत पैसे बचे हुए हैं या नहीं बताए। यस, पहले तो बताएं कुछ पैसे बचे हुए हैं इसमें या नहीं। यस सर, उसको बची हुई है ना, राइट है। अब हम इसको मार्केट के अंदर, हम अब जैसे ही मार्केट खुलेगा देखते हैं यहां पर कहां पर रहता है मार्केट। ये तो अभी दिखा रहा है, अभी मार्केट कॉल सभी ओपन नहीं हुई है, तो अगर मार्केट यहां पर थोड़ा सा भी हमें बचाता है पैसे को तो हम इन दोनों को शॉर्ट करके देखेंगे। लेकिन शॉर्ट कौन सा करेंगे, एक बात का ध्यान रखना, हम कौन सा वाला शॉर्ट करने वाले हैं, 20,000 को हम पहले चलने देते हैं, मार्केट को खुलने देते हैं, जैसे ही मार्केट खुलेगा उसके हिसाब से हम लोग ट्रीट करेंगे, अभी रुक जाते हैं ठीक है। और इससे 200 पॉइंट ऊपर कितना होगा, 20,200 का कॉल ठीक है, इसको भी रख लेते हैं। ये कितना पड़ रहा है, ये पड़ रहा है 12 रुपए, और 19,250 का मतलब कितना हो गया, 19,050 ठीक है, 19,050 का पीई, इसको भी रख लेते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, अगर मैं देखता हूं तो 20,200 इसको ऊपर कर देते हैं, 20,000 और 20,200, देखो 38 और 12 ये ओके है, और ये 250 और 19,050 16 और 9 ये भी ओके है, ये भी मेरा ओके बन रहा है, ये भी ओके बन रहा है। आप देखते हैं मार्केट क्या करता है। तो हम इसका क्या बनाएंगे, इसका हम एक बनाएंगे आयरन कॉरिडोर, देखते हैं क्या होता है, आयरन कॉरिडोर बना के देखेंगे इसका कि आयरन कॉरिडोर में हमें क्या होता है। यहां पर अभी फिलहाल मार्केट नहीं खुला है, और मार्केट खुल कहां पर रहा है पहले जरा इस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मैं निफ्टी को देख रहा हूं तो निफ्टी 19,770 पे खुल रहा है, 19,770 कहां पर है इस पर एक मार्क कर देते हैं, 19,770 मार्किंग कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। ये मैंने मार्किंग की 19,770, तो 770 आपके पास आ रहा है अप्रोक्सीमेटली ये, यहां कहीं खुल रहा है वहीं पे। तो मार्केट क्या खुल रहा है, मार्केट तो गैप अप खुल रहा है, गैप अप खुलने का मतलब ये है कि मार्केट कोशिश करेगा कि मार्केट कहां सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, जरा बताएं प्लीज, मार्केट यहां सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा राइट। अगर यहां से ऊपर चलता है तो, अदरवाइज अगर यहां से नीचे चलेगा तो मार्केट कहां पर सपोर्ट लेगा, यहां पर सर वीक की रेजिस्टेंस पे खुल रहा है। हाँ, मतलब मार्केट वहां से नीचे चल सकता है, ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, हालांकि गैप अप खोल रहा है मगर मार्केट नीचे चल सकता है, ये हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट नीचे चल सकता है। तो हम कोशिश करेंगे देखने की कि पहले मार्केट क्या, हालांकि पॉजिटिव मार्केट है, मार्केट को एक मिनट ये भी चेक कर लेते हैं वर्ल्ड मार्केट क्या बोल रहा, वर्ल्ड मार्केट को भी एक बार देख लेते हैं, तो मनी कंट्रोल पे जाके जरा वर्ल्ड मार्केट को भी देख लेते हैं, वर्ल्ड मार्केट कैसा है, वर्ल्ड मार्केट ठीक है, वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव ही है। अगर हम गिफ्ट, हाँ जी, गिफ्ट निफ्टी भी देखो आपका ऊपर ही है, ठीक है, ओके है ठीक है, और ऊपर का नैसडेक वगैरह सारे पॉजिटिव है, डाउ जोन सारा पॉजिटिव है, मतलब वर्ल्ड मार्केट थोड़ा पॉजिटिव है, तो ये हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे लिए अच्छा है राइट। गिफ्ट निफ्टी देखो 75 पॉइंट ओके है, बिल्कुल सही है, मार्केट चल सकता है ऊपर, अगर चलना चाहेगा तो मार्केट चल लेगा ऊपर, और इसके ऊपर मार्केट अगर यहां पर बैठ गया, ऐसे भी समझते हैं, अगर मार्केट यहां पर बैठ गया तो मार्केट एक मूव ले सकता है। इसको बड़ा कर लेते हैं 2 मिनट ठीक है। ये देखिए मार्केट मंथ के सपोर्ट पर बैठा हुआ है, ये देखिए मंथ के सपोर्ट, मंथ का सपोर्ट को भी हम मार्क कर लेते हैं कि मंथ का सपोर्ट कहां पर है, क्योंकि जब तक मार्केट मंथ के सपोर्ट से ऊपर है एकदम बहुत बड़ा डाउन नहीं ले सकता, छोटा मोटा डाउन है, जैसे मैं बता रहा हूं ये मार्केट का एक सपोर्ट भी है ठीक है, ये सपोर्ट है मार्केट के पास में, और वन डे का पिवोट पर भी बैठा है मार्केट, और मार्केट पिवोट से बैठ जा रहा है ठीक है,
मार्केट एक पॉजिटिव ही मार्केट है अभी, और अगर यहां से चला मार्केट, अगर चला तो एक मूव ले सकता है मार्केट आराम से, 100-150 पॉइंट का मूव मार्केट के पास है। देखते हैं मार्केट करेगा क्या, हमें भी नहीं पता वो तो, लेकिन पहले कोशिश करते हैं देखते हैं। और बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? यस, जरा देख के बताएं बैंक निफ्टी कहां खुल रहा है प्लीज। बैंक निफ्टी का क्या हाल है? बैंक निफ्टी खुल रहा है 43790, इस पे भी मार्किंग कर देते हैं 43790 कहां पर आ रहा है। ठीक है, 43790 आपका यहां कहीं है, बहुत ज्यादा गैप अप नहीं है, मगर मगर ठीक है। मार्केट देखो, मार्केट का जो लास्ट डाउन है, मार्केट इसके ऊपर खुल रहा है, तो ये सपोर्ट बन सकता है मार्केट का, राइट है। तो पहले निफ्टी को देखते हैं कि निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी के हिसाब से चलेंगे, राइट है। तो अभी देखते हैं, पहले मार्केट को चल लेने देते हैं, 14 हो रहे हैं और मार्केट को खुलने देते हैं, देखते हैं मार्केट। हाँ तो आप देखते हैं, हाँ बिल्कुल, ये भी सपोर्ट पर है, तो देखते हैं मार्केट को क्या हो रहा है, एक बार देखने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट जैसे भी चलेगा उसके हिसाब से हम आगे चलेंगे, राइट, उसके हिसाब से हम आगे चलेंगे। पहले चलने देते हैं मार्केट को, ऊपर गैप अप खुलता है, मार्केट ऊपर चलता है, वैसे चांसेस तो ऊपर चलने के हैं, लेकिन देखते हैं मार्केट करेगा क्या। ये देखो मार्केट खुल गया, खुल गया, तो अब देखते हैं मार्केट यहां पर करेगा क्या। देन चलने देते हैं मार्केट को। अभी देखो मार्केट अपने सपोर्ट पर है, यहां से मार्केट अपना एक मूव ले सकता है अगर चाहेगा तो ऊपर। ये देखिए, एक मार्केट मूव पकड़ सकता है आराम से ऊपर, अगर चलेगा तो एक आराम से मूव मार्केट ले सकता है। चलने देते हैं अभी मार्केट को। अभी देखो मार्केट अभी आया नहीं है, मार्केट देखो नीचे भी नहीं चला। अभी अगर मार्केट यहां सपोर्ट पकड़ लेगा, हमें वेट करना है कि मार्केट ये ऊपर चले जाए, मार्केट ऊपर चले जाए, हमें ये वेट करना है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसको। अगर मार्केट यहां से ऊपर चला तो एक बड़ा मूव ले सकता है मार्केट, ठीक है, देखते हैं देखते हैं। अभी मार्केट ने लिया नहीं है मूव, अभी देखो मार्केट सपोर्ट पकड़ने की कोशिश करेगा, तो अगर मार्केट एक सपोर्ट पकड़ता है तो एक बड़ा मूव मार्केट ले सकता है। वेट करते हैं, कॉल कब पकड़नी है, एकदम से कॉल नहीं पकड़नी है। मार्केट देखो यहां से क्या कर सकता है, समझते हैं पहले इसको कि देखो मार्केट यहां से नीचे आया, कोई कंडीशन है कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, आप बताएं इसको वापस ग्रीन कर लेना चाहिए या नहीं, बताओ, यस बताएं, ग्रीन कर लेना चाहिए या नहीं, बताओ, यस हो जाना चाहिए। अगर मार्केट एक ग्रीन करेगा तो मार्केट अपना एक मूव पकड़ पाएगा, आराम से मूव पकड़ पाएगा, एक ऊपर की तरफ मार्केट चल सकता है, अभी गया नहीं है। मार्केट अभी गया नहीं है, मार्केट अगर जाएगा ऊपर तो एक मूव ले लेगा, एक बड़ा मूव। देखो मार्केट चलने की कोशिश कर रहा है, अभी ओपन के ऊपर गया नहीं है मार्केट, अगर ऊपर चला जाएगा तो एक मूव पकड़ेगा मार्केट, अभी नहीं है, अभी हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर चला जाए, अभी गया नहीं, वेट करना है, थोड़ा सा वेट करना हमारे लिए अच्छा होगा। अगर वो ग्रीन कर देगा तो मार्केट एक मूव अच्छा ले सकता है, अगर ग्रीन कर देगा तो, अभी आया नहीं है। ऐसी जगह पर अगर आपको लगता है कि मार्केट गैप अप खुला तो आप छोटा छोटा कोई एक लॉट अपना डाल सकते हो, छोटा लॉट, देखो जैसे मैं डाल के दिखाता हूं आपको, एक मैंने क्या किया है, मार्केट यहां पर ट्रेड कर रहा है और मैंने एक छोटा सा लॉट डाल दिया, छोटा सा लॉट, देखो मैंने कौन सा कॉल पकड़ा है मार्केट में 19800 का। अगर मार्केट इसके ऊपर गया, मैं आपको एक मैनेज करके दिखाता हूं, मार्केट यहां पर गया है इसके ऊपर और मैंने 19800 का कॉल ये वाला पकड़ा है, आउट द मनी है, देखो आउट द मनी है। और मार्केट इस समय क्या करेगा, अगर मेरे को लगता है कि मार्केट नीचे आ रहा है, देखो मैंने नेगेटिव में पकड़ा है इसको, राइट है, मेरे को पता है मार्केट अगर नीचे आएगा तो मार्केट यहां तक आ सकता है, तो देखो मैंने कितना कॉल ऐड किया है इसमें, केवल एक कॉल ऐड किया हुआ है मैंने। अब मेरे को नीचे कितने कॉल ऐड करने हैं, बताएं नीचे कितने कॉल ऐड करूंगा मैं,
नीचे के कॉल कम से कम दो या तीन कॉल मेरे नीचे ऐड रहेंगे, राइट। इस बात का ध्यान रखना है कि अक्सर हम क्या करते हैं, ऊपर हम ज्यादा कॉल ऐड कर देते हैं। हमेशा आप ऊपर कम कॉल ऐड करिए और नीचे ज्यादा कॉल ऐड करिए। मार्केट नीचे आ सकता है कि नहीं बताओ, जैसा वो देख के बताए। मार्केट सपोर्ट पे जरूर खुला है, लेकिन मार्केट ऊपर कब चलेगा, जब मार्केट इसके ऊपर आएगा, तब तक मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, राइट। और हमने देखो एक कॉल को यहां पर ऐड किया है, मैंने 1900 की कॉल ऐड किया। आप मेरे को बताएं ये 1900 है, ये 1900 है, मार्केट इससे दूर जा रहा है या पास जा रहा है, बताए। दूर जा रहा है, राइट है, दूर। मार्केट जितना इससे दूर जाएगा उतना आपका ये लॉस बढ़ता जाएगा, और जितना इसके पास को जाएगा मार्केट उतना आपका लॉस कम होता जाएगा, राइट है। यहां से मार्केट में अभी देखो एक हमारा प्रॉफिट शुरू नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर नहीं गया। मार्केट अगर इसके ऊपर जाएगा आप अपनी कॉल को ऐड कर पाओगे। अब तो देखो इसको करके फायदा नहीं है क्योंकि वो जा चुका। अब देखो ये है, यहां से अगर आप कॉल को ऐड भी कर दोगे, अभी भी कर नहीं रहा हूं मैं, कर भी सकते हो, ठीक है। यहां पर से देखो बड़ी कॉल भी आप चाहो तो यहां पर ऐड कर सकते हो। मार्केट अगर ऊपर चलेगा तो आपको मूव देके जा सकता है, राइट है। ये देखिए मैंने कॉल को अपनी यहां पर ऐड कर दिया, थोड़ा सा ऐड किया मैंने कॉल को, मेरे को पता है मार्केट यहां पर रिटर्न देके जा सकता है मेरे को, देख रहे। क्या देखने को मिला आपको जरा बता दे, यस क्या देखने को मिला प्लीज बताए। मार्केट अब ऊपर की तरफ चलने लगा, सपोज मार्केट चलने लगा ऊपर। देखो मैंने इसमें से कुछ क्वांटिटी हटा दी, कॉल की बात कर रहा हूं। देखो मैं, मार्केट अभी पॉजिटिव चलने लगा, आप भी देख रहे मार्केट पॉजिटिव चलने लगा, मार्केट का सपोर्ट है, मार्केट को मैंने सपोर्ट पकड़ा है, देख रहे 31-32 चलने लगा। कितनी देर लगी पैसा निकालने में जरा मेरे को बता दे प्लीज। सर हार्डली 5 to 10 minutes आपके सामने ही कर रहा हूं मैं, हार्डली 5 मिनट। आपको 3200 रुपए मुश्किल से कुछ टाइम में निकल गए, लेकिन मॉर्निंग में मार्केट के अंदर हम एकदम से बड़ा मूव नहीं ले सकते। तो मैं इसको अभी देखो मार्केट चला नहीं है ऊपर, मार्केट चला नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, देखो मार्केट इसको इधर कर देता हूं, ये बड़ी स्क्रीन नहीं आ पाती, ठीक है। अभी देखो क्या हुआ, अभी भी मार्केट बाय में नहीं गया, मार्केट सपोर्ट पकड़ने की कोशिश कर रहा है, देख रहे। तो हम क्या करते हैं, यहां से कुछ क्वांटिटी अभी चलेगा मार्केट तो तेजी से ऊपर चलेगा यहां से, तो 32 पे मैं कुछ क्वांटिटी यहां से और थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो यहां से हटा देता हूं, चलने देते हैं, अभी चलने देते हैं, और थोड़ा ऊपर चलने देते हैं इसको, ठीक है। 33-32 चलने देते हैं, और चलने देते हैं इसको ऊपर, चलो हटा दिया। अब आपका टोटल देखो मेरी 50 क्वांटिटी बची हुई है, आप चाहो तो इसे भी बुक कर सकते हो, बुक करने में कोई इशू नहीं है, ठीक है। नीचे आया मार्केट तो इस समय आप फिर से अपना बाय, देखो मैंने किस पोजिशन पे बाय किया, यस मैंने क्या देखा, कोई प्लीज बता सकता है किस वजह से मैंने इसको बाय किया और क्यों मैंने क्वांटिटी को बढ़ा दिया, यस एनीवन, सर कौन बताएगा क्वांटिटी क्यों बढ़ाई मैंने। हाजी रेजिस्टेंस रही थी सर, इसलिए आपने बाय किया। बिल्कुल, आप देखो दोबारा समझाता हूं इस पॉइंट को मैं, हाँ देखो दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं मैं, आपको काम आएगा। मार्केट हमने मॉर्निंग में क्या किया, मैंने देखा मॉर्निंग में मार्केट अपने एक सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पर खुला नंबर एक, राइट। हमें पता था मार्केट सही जगह खुला है, और मार्केट अगर आना होता तो एकदम से नीचे आ जाता या नहीं बताओ, आना होता वहीं का वहीं आ जाता, लेकिन हमें पता है कि मार्केट का ये एक सपोर्ट लेवल भी है, तो इसका मतलब मार्केट हो सकता है ये सपोर्ट लेवल को पकड़ने की कोशिश करे। वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव है, वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव है, मतलब ये हुआ कि मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे चला तो मेरे को देखना था या तो ये नीचे आ जाता, या तो ये पूरा नीचे आ जाता, और या फिर ये, ठीक है, या फिर ये क्या करता है यहां से कि या तो पूरा नीचे पहुंच जाता यहां पर, और अगर यहां नहीं पहुंचता तो फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आने के बाद बैक मारता या नहीं। मैंने यहां पर क्या किया, कैसे दिमाग से काम किया कि मैंने देखा मार्केट अगर नीचे आ रहा, मैंने छोटी सी क्वांटिटी आपके सामने 50 क्वांटिटी डाली थी या नहीं,
केवल 50 क्वांटिटी। क्यों? मार्केट अगर नीचे आ जाएगा तो मैं यहां से और एक्स्ट्रा क्वांटिटी 100 200 300 क्वांटिटी यहां से ऐड करता और मार्केट बैक मारता तो मेरे को पॉजिटिव दे देता। लेकिन अगर मार्केट यहीं से ही बैक चलने लगा, यहीं से ही बैच चलने लगा, तो मार्केट का हाफ पोर्शन के ऊपर एक बाय बनता है। अब देखो मार्केट चलने लगा, ठीक है, 32,850, आप इसकी कोई और कॉल भी ऐड कर सकते थे, ठीक है, 19,850 की कॉल, ठीक है, नवंबर की ही एक कॉल लेके आप रख सकते हैं इसको। ये मैंने एक और कॉल ऐड कर दी, देखो नवंबर की मैंने एक और कॉल ऐड की 850 की। 850 कहां पर है? देखे 850 यहां पर है, देख रहे 850 यहां पर आ रहा है इस जगह पर। मैंने थोड़ी दूर की कॉल ऐड की, मेरे को कितने रुपए पर मिल गई? देखो क्या मैं एक बार बताओ, ये देखो मंथ का है, मैं कितने रुपए पे बताओ बाय कर रहा हूं? क्या मैं इसे 400 500 रुपए पे बाय कर रहा हूं बताए? नहीं सर, 100 रुपए क्या समझो, पहले वाला जो कॉल मैंने लिया वो कितना था? 135। मैं 400 500 वाली कॉल को ऐड नहीं कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि इसको बाय करने में मेरे पैसे कितने लग रहे? देखें इसको बाय करने में मेरे जो पैसे लग रहे हैं वो कितने लग रहे? ये देखिए 5,000 रुपए। और अगर मैं इसका प्राइस यहां पर 400 कर दूं तो मेरे को कम से कम, ये दिखाएगा नहीं, अगर 400 होगा इसका प्राइस तो कम से कम 15,000-20,000 रुपए मेरे से मांग लेगा एक कॉल के। तो मैं क्यों उस पर जाऊं? मेरे को किस पे ऐड करना है? ये देखो मैंने 109 पे, 100 पे, 150 पे, ये है, इन पे आप आराम से काम कर सकते हो, इनमें काम करने में आपका कोई इश्यू नहीं है। तो आप कोशिश ये करें कि जब कॉल को ऐड कर रहे हैं तो ये वाली करें, ठीक है। चलो इसको चलने देते हैं, एक मिनट में अमाउंट देख लेता हूँ कितना पड़ा है इसमें, 82,000, ठीक है चलेगा, ठीक है ये भी चलेगा। अब इसको भी देख लेते हैं, हमारा जो हमने अपने पोर्टफोलियो में डाले हुए हैं तो पोर्टफोलियो में क्या चल रहा है इस समय? पोर्टफोलियो में 3,800 के आसपास चल रहे हैं। देखो बायोकॉन हमने लिए थे 15 क्वांटिटी, ये भी प्रॉफिट दे रहा है। एलआईसी भी देखो प्रॉफिट में आ गया, ये एलआईसी आई, देखो ये पॉजिटिव आ गया। मैंने एक पॉइंट बताया था आप लोगों को, ध्यान रखना, ये देखो मैं अगर वनडे में भी दिखा दूं आपको, ये देखिए मार्केट इसके ऊपर ना, इसके ऊपर पॉजिटिव है। देखो एलआईसी आपका इसके ऊपर पॉजिटिव है या नहीं है बताओ, देख रहे, इसके ऊपर एक पॉजिटिव मूड में आ जाएगा तो इसके फ्यूचर आपको बहुत अच्छा पैसा देता है, बहुत अच्छा पैसा देता है, ठीक है। इसको होल्डिंग देख लेते हैं, होल्डिंग आपका विप्रो, देखो विप्रो भी ऊपर चला गया, 109 के आसपास चल रहा है विप्रो, तो इसमें से कुछ क्वांटिटी को हम एग्जिट कर लेते हैं, अराउंड 5 क्वांटिटी हम इसमें से एग्जिट कर लेते हैं, प्रॉफिट दे ही रहा है, इसमें भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है, देखो इसके अंदर भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है, इसमें से भी कुछ क्वांटिटी आप यहां से एग्जिट कर दे। कितनी क्वांटिटी? सपोज 50 क्वांटिटी मैं यहां से एग्जिट कर देता हूं, और एग्जिट हमेशा ना पॉइंट पे करना है। देखो आपका कितना लास्ट एड प्राइस 78.65, 79 पे करे, 79 पे मैं 50 क्वांटिटी को एग्जिट कर देता हूं। ये देखो हम प्रॉफिट बुक करते जा रहे, अपना प्रॉफिट कभी नहीं छोड़ना है, अपना प्रॉफिट हमारे साथ में चलते रहना चाहिए, ठीक है। ये हमारा पूरा है, अभी चलते हैं वापस आगे। अब हम बनाते हैं एक आयरन कॉरिडोर, ठीक है। अभी देखो मार्केट ये भी देखो पॉजिटिव में आ गया, इसको आप छोड़ सकते हो, मार्केट क्योंकि अपना पॉजिटिव मूड दिखाया है तो मार्केट कहां पर जाके बैठेगा? सबसे पहले यहां पर बैठेगा कि नहीं बताओ? ये आपकी देखो कॉल, आप बताओ क्या मैंने हेज कर रखा है कहीं पर भी? आपको हेजिंग दिख रही है? नेकेड कॉल चल रही है एक सारी या नहीं? यस सर, नेकेड है। कहीं कोई स्टॉप लॉस देखो, मेरे ऑर्डर के अंदर कहीं स्टॉप लॉस आपको दिख रहा हो? मेरा तो कोई स्टॉप लॉस भी नहीं लगता, देखो कोई स्टॉप लॉस नहीं है, देखो ऑर्डर में कोई स्टॉप लॉस है? कोई ऑर्डर में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, मैं नेकेड कॉल बाय कर रहा हूं सीधा। लेकिन उसके लिए आपकी प्रैक्टिस तो जरूरी है या नहीं बताओ? बगैर प्रैक्टिस के नेकेड कॉल लेना क्यों प्रकाश जी, विनय जी, बसंत जी, अमरीश जी, मुश्किल काम है या नहीं है? ठीक है, और उसमें भी अगर हम बने रहते तो 5,000 के ऊपर निकाल चुका होता, पर हमें चूंकि क्लास है तो इसमें मैं ज्यादा नहीं करता, मेरा अपना 2,000 के हिसाब है, 2,000 तक अपना लेना है बस, बहुत है। तो चलो एक काम करते हैं, इसको भी मैं हटा देता हूँ, इसका भी कोई काम नहीं है, एक मिनट जरा सा ऊपर आ जाए तो मैं इसको भी हटा के कम से कम इसकी ब्रोकरेज निकल जाए, मेरी ब्रोकरेज निकल 113 पे हटा देता हूं मैं इसे, ठीक है।
113 पे 50 क्वांटिटी को हटा देते हैं, तो अगर 113 पे जाएगा तो हट जाएगा। चलिए इसमें देख लेता हूं मैं कितना है अमाउंट, 82,000। ठीक है चलो एक काम करते हैं, 118.85, एक मिनट से हटा देता हूँ, 112 पे मैंने लगा दिया तो 111.6 चल रहा है, 112 पे अपने आप ही हट जाएगा। चलिए अब हम एक काम करते हैं, ये हट गया देखिए, ये भी हट गया, तो इसमें भी कुछ अमाउंट हमें हल्का फुल्का दे दिया। चलिए वापस आते हैं, अब हमारे पास पूरा सही पॉइंट आ गए हैं, अब वापस आते हैं, अब हम देखते हैं कि मार्केट में हमें एक आयरन कॉरिडोर बनाना है। ठीक है, तो आयरन कॉरिडोर हम कैसे बनाएंगे, बैंक निफ्टी को भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, क्योंकि मार्केट बाय में है। तो मैंने यहां पर देखा मार्केट में वीक टाइम फ्रेम में मार्केट किसके ऊपर जाना मुश्किल है, कौन सा पॉइंट है। देखो आप देखो एक पॉइंट समझना है, यहां पर मार्केट यहां तक जा सकता है या नहीं बताओ, आराम से जा सकता है ना, आप बताएं, हाँ या ना, जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो अगर मैं ये वाले को शॉर्ट करूंगा तो मार्केट मेरे को यहां पर नुकसान दे सकता है, तो इससे थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा मेरे को, और ऊपर का मतलब लगभग 20-100 के आसपास का मेरे को देखना पड़ेगा। ठीक है यहां पर, हाँ 20-100 के आसपास का देखना, बना के देखते हैं क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, नुकसान ही तो देगा मार्केट पहले। ठीक है इसको बना के देखते हैं, तो यहां पर मैं इसको लगा लेता हूं, इसको ये भी हटा देता हूं, ये भी सारे हटा देता हूं, इनका कोई काम नहीं है। ठीक है इनको हटा देते हैं, तो मैंने दिया 20-100 का कॉल, ये नवंबर का ही दे लेता हूं, और इसमें 26 रुपए है। ठीक है और 20-300 का कॉल मैंने, ये एक और था, इसको मेरे को शॉर्ट करना है, इसको मेरे को बाय करना है। ठीक है और नीचे अगर मैं बात कर रहा हूं, नीचे की अगर मैं बात करता हूं तो नीचे कहां पर आ रहा है मेरा, नीचे अप्रोक्सीमेटली यहां ले लेते हैं। ठीक है ये आपका 19,250, 19,300 को ले लेते हैं। ठीक है 19,300 का पीई नवंबर का, और 19,100 का पीई, 19,100 का पीई, ये मैंने दोनों रख लिए, ये सारे हैं देखो मेरे पास, ये 26 और 8 पे चल रहा है। ठीक है और ये 12 और 6 पे चल रहा है, तो मेरे को इसी का आयरन कॉरिडोर बनाना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये आपका एक दिन में फायदा देना इसका कम है, मतलब देगा हल्का हल्का फायदा देगा, लेकिन रखोगे तो ज्यादा फायदा देगा। पहले इसको हम बना के देखते हैं कि अच्छा इसमें एक इशू और है, जीरोदा के साथ एक इशू और है कि जीरोदा क्या करता है, इनको लेने नहीं देता, जीरोदा में ये बड़ा इशू है। तो मैं बना के देख लेता हूं मार्केट में क्या बनेगा कि नहीं बनेगा ये। ठीक है ये भी हटा दिया, और मैंने बोला पहले 20-100 का कॉल, नवंबर का कॉल, इसे मैं कर रहा हूं शॉर्ट, राइट है, ये देखिए मार्केट पे इसे शॉर्ट करते हैं, तो ये मैंने ऐड किया, तो मेरे से मांग रहे हैं 90,000 रुपए, राइट है, और मैंने 20-300 का कॉल जो है ऐड कर दिया, और ये मैंने ये मांग रहा है 400 रुपए। ठीक है ये भी हो गया, दो मेरे ऐड हुए, इसको मैंने ऊपर कर दिया क्योंकि पहले मैं बाय करूंगा फिर सेट करूंगा, राइट है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास जो है, हमने क्या किया, बी क्या था, 19 कितना था हमारा, 19,300, तो 19,300 का पीई मैंने ऐड किया। देखो नवंबर का ये मैंने शॉर्ट कर दिया, देखते हैं क्या लेता है ये, मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, तो मेरे से अगर मैं शॉर्ट कर रहा हूं तो मेरे से लगभग इतने पैसे मांग रहा है, और 19,100 का पी मैंने बाय कर लिया, और ये मेरा यहां पर आ गया। तो अभी अगर देखो, अभी भी देखो मेरे से 1,00,000 रुपए मेरे अकाउंट में होने चाहिए, तो मैंने इसको ऊपर कर दिया, तो अब दोनों मैंने बाय पहले किए। एक बात का समझना, देखो मैंने ये बाय पहले कर रहा हूं, सेल बाद में कर रहा हूं, ये बाय पहले किया सेल बाद में किया, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। देखो अगर मैं बाय को बाद में कर देता हूं सेल पहले कर दूंगा तो ये मेरा मार्जिन बढ़ा देगा, राइट है, तो मेरे को बाय पहले करना है और सेल बाद में करना है, तो मेरा लगभग 50,000 रुपए लगेगा, और लगभग 1,00,000 रुपए के आसपास पड़ा होगा उसमें, 1-2 लाख रुपए के आसपास, तो इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन इश्यू क्या होगा, अब इश्यू समझ लेते हैं इसमें,
कि जीरोधा अक्सर ना दूर का ये कॉल लेने नहीं देता, मैं एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ, एग्जीक्यूट होगा तो सारे हो जाएंगे। ये देखिए रिजेक्शन, रिजेक्शन सेल मना कर दिया, इनसफिशियंट फंड बोल रहा है, जबकि कर सकता था, एक तो कर ही सकता था लेकिन ये मना कर देता है। राइट, जीरोधा के साथ ये इश्यू बहुत है। सर एक क्वेश्चन, हाँ जी, हाँ जी बताए। जीरोधा के अलावा दूसरा कौन सा है, क्योंकि जीरोधा आजकल सर चार्ट भी क्लियर नहीं बता रहा, बीच में जो रिफ्रेश नहीं करे तो वो प्राइस एक्शन बराबर नहीं बता रहा सर। कोई फायर भी बोल सकते हो, फायर भी ओके है, ठीक है, एम स्टॉक भी है, बहुत सारे हैं जो आपको अच्छा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी भी देखो ये इशू यहाँ पर होगा, कोई नई बात नहीं है इसमें इशू के लिए। मैं कोई और करके दिखाता हूँ अभी। इसमें देखो एक छोटा सा इशू है कि किसी भी को भी, कोई भी ब्रोकर आप लो, कैसा भी ब्रोकर लो, उससे बोलना कि मेरे को दूर की कॉल लेके दिखा दे। अब आपके सामने ये कॉल को शॉर्ट नहीं करते देगा, देख रहे हैं? अगर निफ्टी यहां पर है, चलो एक कॉल को शॉर्ट करते, एक कॉल को शॉर्ट करते, मैं चाहता हूं मैं इस कॉल को शॉर्ट कर दूं या और छोटा करते, ये देखो मार्केट नीचे चल रहा है और मैं चाहता हूं इस पुट को शॉर्ट कर दूं, चलो ये पुट कितना है, देखो ये दूर का पुट है, ये कितना है, 19700। अब देखो दिखाता हूं आपको, 19700 का पीई मैं शॉर्ट करना चाहता हूं, 19700 का पी नवंबर का, ठीक है। अगर देखो मैं इसको सेंड कर रहा हूं यहां से, तो लगभग 1,06,000 रुपए मेरे से मांग रहा है। और अगर मैं इसके साथ में दूसरा भी ले लेता हूं 19700, ये देखो यहां से मैं लगा के दिखाता हूं, और निफ्टी का ही 19700 को करते हैं इसको, ये मैंने हटाया, 19700 का पीई अगर मैं शॉर्ट करूंगा यहां से तो मेरे को लेने नहीं देता, ठीक है। अगर मैं इसको देखो 19500 का पी अगर मैं बाय करूंगा, देखो मैं बना रहा हूं और ये लेने को मना कर देता है, इश्यू यही है। देखो अब अगर मैंने इसको पहले बाय कर लिया तो मेरा पैसा चाहिए 30,000 रुपए, मार्जिन भी बोल रहा है, मेरे अकाउंट में इस समय कितना पड़ा होगा यहाँ पर, अगर बाकी सब भी हटा दे तो मेरे अकाउंट में कितना पड़ा होगा देख लेते हैं इसको, राइट है, अकाउंट में पड़ा होगा लगभग 88,000 तो पड़ा ही होगा, होल्डिंग में भी 2,500, ठीक है, तो आपका 88,000 जबकि पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर मैं ऑर्डर में जाके और बास्केट ऑर्डर में निफ्टी पे जा रहा हूं, इसको एडिट कर रहा हूं, तो देखो मेरे को 30,000 रुपए चाहिए। अब इसे करके देख लेते हैं, ये 69 पे चल रहा है, ये 28 पे चल रहा है, और मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, देखो देखते हैं करेगा तो कर लेगा, ये देखो दोनों ले लिए, ले लिया, चलो अब हमारा एक ये क्या बन गया, ये हमारे पास एक बन गया है, क्या ये हमने क्या बनाया जरा बता दे प्लीज, ये जल्दी से बताइए हमने क्या बनाया, आयरन कोंडा, आयरन कोंडा, पक्का आयरन कोंडा बनाइए, नहीं सर नहीं बना, ये क्या बना है, पुट स्प्रेड बना, पुट स्प्रेड कोई बना, ये आपका हाँ बुलिश पुट स्प्रेड बना है, स्प्रेड, यही मतलब बुलिश पुट, क्योंकि हमने देखो हमने क्या किया, हमने पुट को शॉर्ट किया, पुट को शॉर्ट करने का मतलब ये है मैं मान रहा हूं कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो क्या मतलब मैं मार्केट बुलिश हूं मार्केट में, ठीक है, और किस स्ट्रेटेजी को यूज किया मैंने पुट को, तो अब मेरा एक क्या बना, ये मेरा बना बुल पुट स्प्रेड, यही बना कि नहीं बना, ठीक है। आप बताए क्या मार्केट आपको नुकसान दे रहा है बहुत बड़ा है, देखो आपके सामने ही चलता है, यस या नो, ये नुकसान है मार्केट में, नहीं है, लेकिन ये अभी पूरे दिन ऐसे ही चलता रहेगा, आपको बहुत कम कम प्रॉफिट देगा, मतलब ये बात ध्यान रखना कि जब कभी भी आप शॉर्ट और बाय को एक साथ लेते हो, मतलब पुट पुट को या कॉल कॉल को एक साथ लेते हो, तो ये बात का ध्यान रखना, ये आपको कब पैसे देगा, जब आप ग्रेजुअली आपका मार्केट में डे स्पेंड होते जाएंगे तब आपको ज्यादा फायदा देगा, अभी ये पूरे दिन ऐसे चलता रहेगा, एक दो देखो आपको नुकसान नहीं दे सकता। अब देखो यहाँ आपको अगर मैं इसे ऐसे छोड़ दूंगा देखो तो क्या बहुत बड़ा नुकसान दे रहा है, आप देखो इसे 2 घंटे 4 घंटे चलने दो आप, कोई नुकसान नहीं दे सकता आपको, लेकिन जैसे ही इसका सबसे बड़ा फायदा सेल का तब मिलता है, सबसे बड़ा सेल का फायदा आपको तब मिलता है जब मार्केट एक दिन से दूसरे दिन पे जाता है और थीटा लगता है। देखो अब यहां पर क्या दिखाई दे रहा, दिख रहा है आपको, ये फर्क दिख रहा है दोनों में, यस क्या दिखाई दे रहा है बताएं दोनों में, मैं इसको
मैं इसको ना यहां से निफ्टी को भी लगा देता हूं एक मिनट, जिससे आपको दिखे। ये देखो निफ्टी को भी मैं लगा के दिखा रहा हूं आपको, ये एक घंटे में निफ्टी है और इसके साथ में आपका ये बुल कॉल स्प्रेड है, बुल पुट स्प्रेड सॉरी। देखो मार्केट में कितना डिफरेंस आ रहा है, क्या बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है? देखो नहीं है ना? नहीं सर, बैलेंस है, बैलेंस ही चलेगा। लेकिन कब इसमें डिफरेंस आ जाएगा? एक डिफरेंस तब आ जाएगा अगर मैं इन दोनों को डिफर कर दूंगा, मतलब मैंने एक यहां पर कॉल ऐड कर दिया, पुट ऐड कर दिया, तो इसमें डिफरेंस आ जाएगा कि नहीं सीधा? राइट है। लेकिन आपको एक छोटा सा पॉइंट यहां पर दिखाई दे रहा होगा, जैसे जैसे मार्केट ऊपर चल रहा है तो आपको यहां पर थोड़ा सा बढ़ावा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, इस साइड में दिख रहा है? यस सर। इसका मतलब कौन सी साइड आपका ज्यादा चल रही है? आपका जो शॉर्ट साइड है वो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा दे रही है कि नहीं दे रही है? दे रही है। इसका मतलब जैसे जैसे मार्केट ऊपर चलता जाएगा, जैसे जैसे मार्केट ऊपर चलेगा, वैसे वैसे आपका ये जो पुट साइड है जो आपने शॉर्ट किया हुआ, ये आपको पैसे को बढ़ाता जाएगा और ये आपकी वैल्यू। अब इसको अगर हम थीटा फॉर्म में बोलेंगे तो मैं कैसे बोलूंगा? देखो इसका थीटा ये कितना है, 68। इसका थीटा ज्यादा होगा कि नहीं होगा? फॉर एग्जाम्पल इसका होगा 0.3, ये 50 है 28 का, इसका मतलब इसका 0.1 या 0.2 होगा कि नहीं? तो आपका थीटा फॉर्म में भी मार्केट जो है वो आपका थोड़ा सा डिफर कर जाएगा। तो मार्केट में अगर अभी तेजी से मूव आ जाए, अगर मार्केट तेजी से मूव कर जाए तो ये शॉर्ट वाला एकदम से बढ़ जाएगा कि नहीं? इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? हो सकता है 200 पे चल रहा हो, ये हो सकता है 30-50 पे चल रहा हो, इतना डिफरेंस पे आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है तो ये जो डिफरेंस होता है ये इतना बड़ा हो जाता है कि मार्केट में ये बहुत छोटा होता है, ये बहुत बढ़ जाता है। राइट, अक्सर हो जाता है। लेकिन आपको कब दिक्कत होगी? दिक्कत आपको तब होगी जब मार्केट यहां से नीचे चलेगा। नीचे चलने पर क्या होगा? ये जो शॉर्ट शॉर्ट है ये माइनस में आ जाएगा, देखो यहां पर। लेकिन तब भी आपको कब फायदा मिल जाएगा? जब आपका एक दिन से दूसरा दिन गया तो आपको यहां पर फायदा मिल जाएगा, क्योंकि थीटा का फायदा मिल जाएगा आपको। तो इसको आप रख सकते हो अपने पास। राइट है, इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं। देखिए इतनी हमें देखो शॉर्ट कर रखा है हमने, देखो कितना नुकसान दे रहा है, आप बताओ मार्केट। बहुत बड़ा तो नुकसान हो रहा है आपको, या हजारों का या लाखों का नुकसान, आप बताए। क्यों बसंत जी, अमरीश जी, नहीं है ना? आप अगर आप पूरे दिन, अगर आप पूरे दिन से चलाएंगे भी ना तो आप बोलेंगे सर मैंने, पता है स्टेटमेंट क्या होगा उसके बाद, जब आप इसे पूरे दिन ऐसे ही छोड़ के रखेंगे और शाम को अगर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या हुआ, बोलते सर कुछ भी नहीं हुआ, सुबह से चलाया शाम तक यही चल रहा है, 10-20-50 रुपए ऊपर बढ़ा ही नहीं बिल्कुल भी। क्योंकि ये जो शॉर्ट है ये कब आपको पैसा देगा? जब एक दिन से दूसरे दिन पर जाएंगे, समझ रहे? एक दिन से जैसे ही दूसरे दिन पर जाएंगे तब आपको मार्केट पैसा देगा। चले इसको देखते हैं, 19,500 और 19,700, इसको जरा दो मिनट। हाँ जी सर, आज का जो गैप अप मार्केट है इसको हम लोग कौन सा गैप में कैटेगराइज करेंगे सर? एक मिनट में देख लेता हूँ इसको। आपने कहा था ना क्या, ये असल में क्या है, ये इनिशियल गैप है। इनिशियल गैप, ये हाँ इनिशियल गैप है। लेकिन आप देखो मार्केट नीचे आया, ये देखो नीचे चल रहा है, तो ये मार्केट में इनिशियल गैप है, ये भरने कम आएगा। लेकिन एक दिक्कत क्या हो सकती है? दिक्कत ये हो सकती है कि पूरी रैली नहीं है, रैली नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो मार्केट इनसाइड बार बना के बैठा है सारा या नहीं? यस सर, ये रैली नहीं है, समझे? तो ये पूरी रैली नहीं आई, तो इसको हम इनिशियल गैप बोलना हमारे थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। देख रहे हो आप, ये पूरी बड़ी कैंडल के अंदर सारी कैंडल है या नहीं है, बताओ? यस सर। तो ये हमारा एक डाउन रैली नहीं है, डाउन रैली के लिए एक अच्छी रैली आना जरूरी है। तो ये कहने के लिए तो इनिशियल गैप है, पर बहुत अच्छा इनिशियल गैप नहीं है, जिसको हम बोले कि बहुत अच्छा इनिशियल गैप है, इतना अच्छा नहीं है। राइट है, तो हम इसको ट्रेड करना पसंद नहीं करेंगे इस वाले गैप को। हालांकि मार्केट में चले जाना ऊपर, इसके ऊपर एक भी कैंडल क्लोज हो गई, अगर एक घंटा इसके ऊपर क्लोज हो गया, मतलब इसके ऊपर, तो मार्केट एक बाय में निकल जाएगा। राइट है, इस बात को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है।
अभी देखते हैं हमने कौन सी स्ट्रेटजी बनाई है, 19700 का पी शॉर्ट किया, 19500। चलो ऑप्शन पे चलते हैं, देखते हैं यहां पर क्या हो रहा है। ठीक है, अब यहां से देखो हमने यहां पर से फ्यूचर की बजाय हम ऑप्शन ले लेते हैं यहां पर से, और 30 नवंबर का ही लिया, स्ट्राइक प्राइस हमने लिया 19 कितना था, 700 कितना लिया था क्या हमने, 19700 का पी शॉर्ट किया। ठीक है, तो यहां से देखते हैं 19700 का पी, अगर देखते हैं हम इसमें देखना चाह रहे हैं ना थीटा का फायदा कितना मिलेगा, 19700 का पीई हमने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, देखो ये शॉर्ट किया, मैंने पोजीशन को ऐड कर दिया, और 19500 का पी, ठीक है, 19500 का पीई हमने ऐड किया, बाय किया, और ये मैंने ऐड कर दिया, तो मेरी दो पोजीशन ऐड हो गई। ये देखो दो पोजीशन है। ठीक है, अब जरा इसको समझते हैं, इसमें अगर मैं देखता हूं तो मेरा टोटल लॉस कितना है, मेरा जो टोटल लॉस है पूरी स्ट्रेटजी में अगर मैं इसे चलने दूंगा तो मेरा लगभग 2000 का प्रॉफिट है और लगभग 7900 का मेरा नुकसान है, और इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है, 63% है। राइट है, ये क्यों बता रहा है आप बताएं, ये क्यों बता रहा है, अगर मार्केट वहां से नीचे आया 1%, जहां पर मार्केट है अगर गैप भरने नीचे आ गया तो क्या होगा, यस बताएं, जल्दी से बताएं क्या होगा अगर मार्केट गैप भरने के लिए नीचे आ गया, तब मार्केट एक, हाँ तब आपके पास एक नुकसान मार्केट कर सकता है। देखो आपको जो थीटा मिलने वाला है, थीटा मिलने वाला है, देखो ये आपने पी को शॉर्ट किया है, ठीक है, मैं इसे रुपीज में देख लेता हूं, तो लगभग देखो आपको थीटा का जो फायदा मिलने वाला है वो लगभग लगभग 83 रुपीज का मिलने वाला है पर डे। अगर आप एक दिन से दूसरे दिन छोड़ दोगे तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 83 रुपीज का आपको पर डे मिलने वाला है, तो लगभग आपने अगर 10 दिन भी इसे छोड़ दिया तो लगभग 800-850 का आपको फायदा मिलेगा, और उसके बाद मार्केट जो चलेगा वो अलग है, तो ये आपको मार्केट फायदा देके जा सकता है। ये मार्केट बोल रहा है इस स्ट्रेटेजी के अंदर आपको पर डे लगभग 83 रुपीज मिलने वाले, 84 के आसपास रुपीज मिलने वाले, ये आपको बोल रहा है यहाँ पर। तो आप चाहो तो ऐसे चेक भी कर सकते हो इसको कि मार्केट में क्या होगा। ठीक है, यहां से फ्यूचर चार्ट वगैरह भी दिखा देता है, ये देखो हालांकि इसका काम नहीं होता है इस फ्यूचर चार्ट का, तो आपको ऑप्शन पीएनएल यहां से आप चेक कर सकते हो, जो भी पीएनएल चल रहा है ये देखो इसमें कर सकते हो, एंट्री आपका यहां पर हुई है, हमने देखो इसपे 68 पे और इसपे एंट्री करी है, और करंट प्राइस आपका ये चल रहा है, और आपका एग्जिट प्राइस अभी है नहीं, और टोटल पीएलएन हमारा 20 रुपए के आसपास का बता रहा है। अब देख लेते हैं कितना चल रहा होगा, ये आपके पास है तो आप इसको चेक करें, ये आपके पास काम में आएगा। अभी देखो क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर चलेगा, हमें पता है मार्केट नीचे कम आएगा, नीचे कम आएगा, मार्केट चल सकता है, और कहां पर जा सकता है इसको पॉइंट को चेक करना, मेरा जो सपोर्ट लेवल है वो कौन सा है, अगर मार्केट उसके ऊपर जाके बैठ गया तो मार्केट आराम से चलेगा, मतलब देखो 946 हो रहे, 1015 पे ये कैंडल कहां क्लोज होनी चाहिए, इसके ऊपर ही क्लोज हो जानी चाहिए या नहीं, आप बताएं, इसके ऊपर ही क्लोज होगी। चलो यहां से एक चीज और देखते हैं कि यहां पर से हम अगर मैं मूविंग एवरेज देखता हूं तो मूविंग एवरेज के बेस पर मार्केट कहां गया है, राइट है, ये देखो मूविंग एवरेज के बेस पर मार्केट कहां पर खुला, कल भी हमने डिस्कशन में लाया था कि अगर मार्केट को बाय में जाना है तो मार्केट को इस 20 के ऊपर खुलना पड़ेगा या नहीं, अभी भी मार्केट 20 के ऊपर ही है, मतलब बाय में मार्केट है, मतलब बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट यहां पर क्लोज होके ऊपर निकल जाए, बहुत ज्यादा चांस होंगे, राइट है, और मार्केट अगर अपने गैप को कवर करने के लिए नीचे आ गया तो मार्केट 20 के मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएगा या नहीं, मार्केट करेगा नहीं ऐसे, तो मार्केट गैप कवरिंग के लिए मुश्किल आएगा, और अगर मार्केट यहां पर रुक गया 1% भी रुक गया तो मार्केट का ऊपर तक का एक सफर हो सकता है या नहीं, शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसको पिवट पॉइंट के बेस पर देखूं तो मार्केट पिवट पॉइंट के बेस पर क्या कर रहा है, ये पिवट पॉइंट है, एक मिनट इसको हटा लेता हूं मैं यहां से, ठीक है, ये पिवट पॉइंट है, मार्केट पिवट पॉइंट के पर सपोर्ट लेके ही ऊपर चल रहा है, तो मार्केट का एक मूव हो सकता है इसके ऊपर, बस बैठ जाए मार्केट, अभी गया नहीं है, तो अगर उसके ऊपर जाएगा तो मार्केट आपको एक पॉजिटिव मूड दे सकता है। अच्छा कितना नुकसान हो रहा है हमें बताएं, यस
कितना नुकसान हुआ? अभी देखो मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, वो पॉइंट मैंने आपको क्या बोला कि मार्केट यहां से अगर आपकी डायरेक्शन राइट है तो डे के अंदर बहुत बड़ा नुकसान मार्केट नहीं देगा, लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन राइट हो गई तो जो शॉर्ट किया हुआ ये तेजी से प्रॉफिट देने लगेगा आपको, लेकिन अगर नहीं हुआ और मार्केट नीचे आया तो ये आपको नुकसान दे रहा होगा, लेकिन ये पुट बचाएगा आपको। देखो आपका ये पुट आपको बार बार बचा रहा है, देख रहे हो, ये देखो ये लॉस में जा रहा है तो ये प्रॉफिट में आ जा रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा प्रॉफिट करेगा, लेकिन मार्केट आपको बचा तो रहा है कि नहीं बचा रहा है। अगर यहां पर आपका 100 रुपए का नुकसान होगा तो 50 रुपए यहां पर बचा लेगा आपको। तो ये पॉइंट है छोटे से जो कि आपको साथ में रखने हैं, तब आप आराम से अपना काम कर पाओगे। मेरे को इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए मार्केट की, अगर इसके ऊपर क्लोज कर गया तो मार्केट नेक्स्ट आर में आराम से ऊपर चल सकता है, लेकिन अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करेगा तो मार्केट एक इश्यू में आएगा। जब कभी आपको इसे निकालना हो, ये बात का ध्यान रखना, जब कभी भी आपको इस पेयर को निकालना हो तो कभी भी पॉजिटिव वाला मतलब प्लस वाला पहले मत निकालना, पहले आप नेगेटिव वाला निकालना, या तो दोनों को एक साथ निकाल दो, और या फिर निकालना हो तो पहले नेगेटिव निकालना फिर पॉजिटिव निकालना, इस बात का खास ख्याल रखना है। लेकिन मार्केट आपको हेजिंग में नुकसान नहीं दे सकता है, सच पड़ा। देखो तब से हम आधा पौना घंटा हो गया हमें काम करते हुए, कितना नुकसान दिया मार्केट ने बताओ, हैज करके छोड़ा हुआ है मैंने। अगर मैं इसे क्यों भी नहीं जी शाम तक भी छोड़ दूं अमरीश जी, तो क्या बहुत बड़ा नुकसान देगा मार्केट? नहीं नहीं सर। लेकिन अगर इसी जगह पर मैंने एक प्लेन कॉल बाय की होती, ठीक है, और मेरे को एक्सपीरियंस ना होता तो वो मेरे को नुकसान दे सकती थी, लेकिन हैज आपको नुकसान नहीं देता बड़ा, तो आप हैजिंग के साथ में चल सकते हो। लोग अक्सर क्या करते हैं, यहां पर बड़ी बड़ी क्वांटिटी शॉर्ट करके छोड़ देते हैं और उन्हें आराम से पर डे का प्रॉफिट मिलता रहता है, पर डे उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, बस वो प्रॉफिट ही खाते रहते हैं, ठीक है। मतलब मैं अगर बोलना चाहूं तो देखो मैं आपको एक पॉइंट दिखाता हूं, ये पॉइंट समझना, ये पॉइंट काम का है आपके। देखो यहां से अगर मैं बोलता हूं कई सारे लोग क्या करेंगे, यहां से शॉर्ट करके छोड़ देंगे, यहां से शॉर्ट किया ऊपर शॉर्ट एक बाय कर लिया, ठीक है, कॉल शॉर्ट किया ऊपर कॉल बाय कर लिया, और यहां से कम 10 क्वांटिटी शॉर्ट कर देंगे, 10 लॉट शॉर्ट हुए। ऐसा नहीं कि उन्हें डेली का बहुत सारा मतलब एक ही दिन में बहुत सारा प्रॉफिट होगा, नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा उनको थीटा का प्रॉफिट मिलेगा पर डे का या नहीं, थीटा का प्रॉफिट डेली मिलता जाएगा उनको। तो अगर मार्केट नीचे आ गया तो उनको थीटा का बड़ा प्रॉफिट मिलता है जो कि डे बाय डे मिलता है, एक ही दिन में नहीं मिलेगा। एक ही दिन में तो मार्केट देखो अगर पूरे दिन मैंने रख भी लिया, ऐसे समझो अगर मैंने इसको पूरे दिन रख भी लिया तो भी मार्केट मेरे को बहुत बड़ा नुकसान थोड़ा ना देगा या बहुत बड़ा प्रॉफिट थोड़ा ना देगा, लेकिन एक दिन से दूसरा दिन चला जाएगा तो ये आपको प्रॉफिट देना शुरू कर देगा। अभी देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अभी भी ये देखो ये मेरे को मार्केट नुकसान दे रहा है 82 का, तो ये बचा रहा है ऊपर। देखो हेजिंग में ये फायदा होता है, आप देखो अगर 72 का मेरे को नुकसान दे रहा है तो लगभग 35 का ये प्रॉफिट दे रहा है, 40 का प्रॉफिट दे रहा है, मतलब क्या हुआ इसने मेरा लॉस बचा लिया कि नहीं? क्यों भी नहीं जी, सही है कि नहीं बताओ, बचा रहे ना आपके लॉस को ही। तो जितना आपका लॉस होगा उससे आधा लॉस करके हटाएगा वो, ये हेजिंग का फायदा होता है। तो हेजिंग में आपको अगर आपको लगता है मार्केट आपकी डायरेक्शन में जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहीं से लगाऊं, देखो मार्केट आपको लगता है कि आपकी डायरेक्शन में जा रहा है, ये देखो मार्केट अगर नीचे आएगा, नीचे आएगा तो पुट आपको ये प्रॉफिट में डालना शुरू कर देगा, मतलब बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, बहुत बड़ा नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखो अगर मैं यहां से मेरे को लगता है मार्केट नीचे आएगा तो देखो मैं अपना पुट एक बढ़ा सकता हूं, यहां देखो आने देते हैं इसको, ठीक है, अगर नीचे चलेगा तो आप अपना ही पुट बढ़ा सकते हो। अगर आप आने देते हैं अभी थोड़ा सा नीचे आने देते हैं इसको, ठीक है, अगर थोड़ा सा नीचे आएगा तो मार्केट में आप एक पुट को बाय कर सकते हो, चलने देते हैं, ये देखिए मैंने एक पुट को बढ़ा दिया, हालांकि रिस्क हो जाएगा, हालांकि रिस्क हो जाएगा, लेकिन क्या होगा अगर मेरे को लगता है मार्केट थोड़ा सा नीचे आ रहा है तो उस केस में मेरे पास जो पुट है जो मैंने बाय किया हुआ है, देखो मैंने एक क्वांटिटी बढ़ा दी, तो मार्केट अगर तेजी से नीचे चलेगा तो ये पुट बढ़ जाएगा,
इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब आप देखो क्या हुआ, ये 120 और ये 80, मतलब आपके पास मार्केट बिल्कुल मार्जिन पे आ रखा है। अगर मार्केट नीचे चलेगा तो ये एकदम से बढ़ जाएगा, ठीक है? तो ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन ये कब करना है आपको, जब आपको मार्केट की डायरेक्शन क्लियर हो उस केस में आप उसके साथ में जा सकते हो, ठीक है? कोशिश ये करना है कि मार्केट को जब आप शॉर्ट करते हो, ये जो शॉर्ट करते हो, देखो अभी भी फर्क एक बार समझना है यहां पर, देखो ये चलना शुरू हुआ, देख रहे? तो ये अब मार्केट कहां तक आएगा, अगर नीचे तक आ गया तो ये आपका जो 100 वाला पुट है ये आपको प्रॉफिट में डाल देगा। तो मार्केट, मेरा कहने का मतलब है, एक कोई कॉल ऐड करने से, एक पुट ऐड करने से बहुत भारी नुकसान नहीं हो जाएगा। देखो आपका इस समय अगर मैं देखता हूं तो मेरी 100 दो लॉट चल रहे हैं पुट के और पुट बाय के, और एक लॉट चल रहा है पुट सेल का। आप देखो दोनों का बैलेंस खराब हो रखा है, लेकिन मार्केट तब भी मेरे को बहुत बड़ा नुकसान नहीं देगा, देख रहे? बहुत बड़ा कोई नुकसान मार्केट देके नहीं चला जाएगा, मार्केट नॉर्मल नुकसान देगा मेरे को, 100-200-300 रुपए का नुकसान देगा, इससे बड़ा नुकसान भी नहीं देगा मार्केट मेरे को। तो आप ऐसा कर सकते हो, जब आपको इसे हटाना हो, हटाने के लिए कोशिश ये करनी है कि जब कभी भी हटाना हो या तो आप इसे पहले वैसे हटाओ। कैसे? आप बोलते हो कि मैं इसे या तो एक ऐसे क्लिक करके और एग्जिट कर दो, और या फिर अगर नहीं हटाना तो पहले ये वाला हटाओ फिर दूसरा वाला हटाओ। सबसे बेस्ट क्या है दोनों में, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि दोनों को एक साथ हटा दो एग्जिट, वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों में डिफरेंस नहीं आएगा तो आप कई सारी चीजों से बच जाओगे, जो मार्केट का बैलेंस खराब होता है उसकी वजह से भी आप बच जाते हो, ठीक है? अब देखो यहां पर मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट इसके ऊपर गया नहीं, देख रहे हो? मार्केट का ये रेजिस्टेंस है, अगर मैं रेजिस्टेंस बना दूं मार्केट में तो ये रेजिस्टेंस मार्केट फेस नहीं कर पा रहा है, उसके ऊपर जा नहीं रहा है, और जबकि मार्केट बुलिश है, ये पूरा जोन बना हुआ है और मार्केट उस जोन से ऊपर जा नहीं रहा है, तो मार्केट को इसके ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए, जो कि मार्केट ने नहीं दी है। मार्केट में आप देखो एटीएम भी बाय कर सकते हैं, 19,775, 19,750, देखो दिखाता हूं आपको मैं यहां से, अगर मैं ये भी दिखाता हूं 19,750, ये क्या हुआ? यस, 19,750 क्या हुआ? आईटीएम हुआ, एटीएम हुआ, क्या हुआ बताए जरा प्लीज। ये देखो मैंने एक बाय किया, 19,750 का बाय कर रहा हूं मैं, यहां दिखा देता हूं एक मिनट आपको, ये रहा, ठीक है? ये 19,750 निफ्टी के केस में क्या बना कोई बताए प्लीज। 750 आईटीएम बना, एटीएम बना, ओटीएम बना, आईटीएम, आईटीएम। देखो अब आप दोनों काम कर सकते हो, यहां पर अगर मेरे को बाय करना होता तो मैं दोनों काम कर सकता था, मैं ओटीएम भी बाय कर सकता था। मैंने आपको 19,800 का भी कॉल लेके दिखाया, 19,850 का भी कॉल लेके दिखाया, ये दोनों ओटीएम है कि नहीं है, राइट? देखो 19,776 चल रहा है, क्या मैं 19,776 को बाय कर सकता हूं? नहीं ना, या तो मैं 19,800 को बाय करूंगा या 19,750 को बाय करूंगा। लेकिन अगर मैं 19,750 को बाय करता हूं तो 19,750 क्या हुआ इस समय, ये वाला आईटीएम हुआ कि नहीं? और आईटीएम होने का मतलब, अगर मैं 19,750 को देखता हूं तो इसका जो वो चल रहा होगा, डेल्टा चल रहा होगा लगभग 0.6 के आसपास होगा। अगर हम यहां से देख भी लें 19,750, देख लेते 19,750 का अगर मैं कॉल लेता हूं नवंबर का ही, और इसको यहां पर अगर हम ऑप्शन चेन में चले जाएं तो मेरे को पता लग जाएगा 19,750 कितना चल रहा है, डेल्टा भी पता लगेगा इसका, डेल्टा कितना चल रहा है, ठीक है? ये है 19,750, ये रहा है। तो अगर मैं इसके, ठीक है, डेल्टा कब को चेक करता हूं, 19,750 का डेल्टा आपका कितना चल रहा है, इसका डेल्टा चल रहा है 0.6, देखो, देख रहे, इसका डेल्टा चल रहा है 0.6, और जो हमने 19,850 लिया था, 19,850 का डेल्टा कितना था, 19,850 का डेल्टा था 0.4, देख रहे हो डेल्टा भी चेंज हो रहा है। अब देखो 19,750 का डेल्टा कितना हो गया, 0.6, 0.5,
देख रहे हैं ये चेंज होता रहेगा, ठीक है 0.66 ये डेल्टा चेंज होता रहेगा। डेल्टा के अकॉर्डिंग भी चाहो तो आप काम कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, डेल्टा के अकॉर्डिंग भी काम होता है। अभी देखो मार्केट ऊपर गया नहीं, गया नहीं। अब अगर मैं यहां से देखता हूं तो मार्केट चूंकि ऊपर नहीं गया तो मार्केट मेरे को कुछ नुकसान दे रहा होगा, ये रहा नुकसान। लेकिन मेरे को पता है कि अब मेरे को इसे मैनेज कब करना है, बताए। क्या मैं जबरदस्ती खूब सारी क्वांटिटी ऐड कर रहा हूं? नहीं, मैंने केवल एक क्वांटिटी ऐड करी है। और मार्केट अगर मेरे को पता है मार्केट को थोड़ी देर में ऊपर निकल जाना है, दैट मीन्स ये प्रॉफिट दे जाएगा। लेकिन अगर नीचे आया तो इसे मैं कहां एवरेज करूंगा? मैं इसे एवरेज करूंगा यहां पर। अब क्वेश्चन आपके पास ये है कि यहां पर क्या प्राइस होगा जब मार्केट नीचे आएगा, तो इसको भी दो मिनट के लिए देख लेते हैं। 19750 ये मैंने निफ्टी लगाया, ध्यान से चेक करना ये पॉइंट को भी, ये पॉइंट भी काम का है। 19750 का मैं 19750 का मैं एक कॉल ले लेता हूं नवंबर का, राइट है, मैंने इसको डन कर दिया। अब मेरे को कहां पर एवरेज करनी है? जबरदस्ती कहीं पर भी एवरेज नहीं करनी मेरे को, मैं देख के एवरेज करूंगा कि मेरी एवरेजिंग कहां पर होगी। तो अब मैं चलता हूं यहां पर और यहां से देखते हैं। मैंने दोनों चार्ट ओपन करके रख लिए, ये मेरे दोनों के दोनों चार्ट है। आप जरा मेरे को ये प्लीज बताइए देख के कि मार्केट इस समय 165 पे ट्रेड कर रहा है, ये देखो 165.9 यहां पर ट्रेड कर रहा है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब मार्केट, आप ही आंसर करना, जब मार्केट यहां पर आएगा इस जगह पर, तो कॉल की वैल्यू क्या चल रही होगी उस समय, बताएं? क्या यहां पर होगी 140? इसका मतलब मेरे को कहां पर एवरेज करना है इसको? मेरे को 140 पे एवरेज करना है या नहीं? आप बताओ। 140। मैं जबरदस्ती एवरेज नहीं करूंगा ना कि 60 पे आ गया। देखो ये सबसे अच्छा तरीका है, 60 पे आ गया एवरेज नहीं करना, 50 पे आ गया एवरेज नहीं। आप जब आपका एवरेज ही नहीं 40 पे होनी है तो मैं क्यों जबरदस्ती ऊपर एवरेज करता रहूं? मेरे को करनी नहीं है एवरेजिंग, तो मैं यहां पर 140 पे इसको एवरेज करूंगा। आपको यह भी पता है कि 160 से 140 कितना हो गया, 26 पॉइंट, राइट? 26 पॉइंट का मतलब 26 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना होता है, ये मेरे को नुकसान चल रहा होगा। सब कुछ आपको पता है पहले से ही, 26 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना हो गया, मैं कर देता हूं मल्टीप्लाई बाय 50, ये आपका हो गया 1300। इसका मतलब जब आपको दो तरीके से बात कर सकते हो, आप ऐसे बोल सकते हो कि जब 140 पे आएगा तो मैं इसे बाय करूंगा, या अगर मैं लॉस की बात करता हूं तो जब मेरे को 1300 रुपए का लॉस चल रहा होगा तो मैं इसे बाय करूंगा, ऐसे भी तो बोल सकते हैं यार, जैसे मर्जी बोलो आप इसे। तो मार्केट अभी क्या कर रहा है, आपको कॉल भी बताती रहेगी कहां जा रही, देखो ये कॉल ऊपर जा रहा है, तो आप अभी वेट कर सकते हो। अगर मैं यहां पर देखूंगा तो मार्केट ने लॉस को कम कर दिया होगा, देखो हो गया पॉजिटिव आना है उसको। देखो मार्केट में डरना नहीं है कॉल के साथ में, लोग हवा बना के रखते हैं कि आपका ऑप्शन कर लिया तो पता नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर आप तरीके से ऑप्शन को करोगे तो ऑप्शन नुकसान नहीं देते, राइट है? आज देखो आपके सामने, आप आपके सामने लाइव ही मैंने पैसा निकाल के दिखाया कि नहीं दिखाया, बताओ आपको निकल रहा है ना? इतना पैसा अगर इक्विटी में निकालने की कोशिश करेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे दिन का। अगर मैं बोलूंगा दिन का इक्विटी में पैसा निकालो कितना, 3000 रुपए, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। आप 200, 400, 500 निकाल सकते हो, 3000 निकालना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं फ्यूचर में 3000 निकालना, हाँ ठीक है निकल सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं ऑप्शन में 3000 निकालना, इजी आराम से निकल सकते हैं, जबकि इक्विटी में नहीं निकलेंगे। इक्विटी में सुबह शाम तक लगे रहोगे तब भी पैसा नहीं निकलेगा, मुश्किल निकलेगा। लेकिन फ्यूचर के केस में, ऑप्शन के केस में बड़े आराम से पैसा निकल सकता है। आप देखो अगर मैं यहां से 1000 क्वांटिटी भी बाय करूं इक्विटी में तो इक्विटी बहुत धीरे धीरे चलेगा। आपका SBI ले लिया 500 पे चल रहा है, आप मेरा अगर मैंने 1000 क्वांटिटी बाय की तो कम से कम अगर 5000 रुपए मेरे को चाहिए तो इसे 505 पे जाना पड़ेगा, मतलब 5 पॉइंट ऊपर महाभारत होगी जाने की इसकी, पूरे दिन में नहीं जाएंगे। मतलब आपका 1000 क्वांटिटी लेने के बाद भी आपको 5000 रुपए निकालने बहुत मुश्किल काम है, समझ रहे? लेकिन अगर इसी जगह पर मैं ऑप्शन ले लेता हूं तो ऑप्शन बड़ी जल्दी मूव कर जाता है, वो आपको एकदम पैसा देके चला जाता है। देखो मैंने नेकेड, अभी भी नेकेड कॉल बाय कर रखी है, कोई देखो कहीं पर मेरी कोई हेजिंग नहीं है, कुछ नहीं कर रखा मैंने,
मेरे को पता है मेरे को इसे के साथ में करना क्या है, तो इसलिए मेरे को जरूरत नहीं है। देखो नीचे आएगा, मैं इसका वेट कर रहा हूं कि नीचे आ जाए यहां तक मार्केट, ठीक है। यहां नीचे आएगा मार्केट, मैं यहां पर इसे एवरेजिंग करूंगा कहीं पर भी नीचे आने पर। और मेरी वैल्यू क्या है, मेरी मेरी वैल्यू है 140। तो जब 140 के आसपास आएगा, देखो चल रहा है ये नीचे चल रहा है, जब ये 140 के आसपास आएगा तब मैं इसे एवरेज करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। और 140 पे मेरी मर्जी है कि मैं यहां से एक एवरेज करूं या मैं दो करूं या मैं 10 करूं। आप इनमें किसी से भी एवरेजिंग करके चल सकते हैं, ठीक है। आप यहां पर क्योंकि मार्केट ने ऊपर जाना है तो आप चाहो तो यहां पर ऐड भी कर सकते हो। देखो चल रहा है, मार्केट को चलना ऊपर ही है, आप यहां से इसको मैनेज भी कर सकते हो। मैनेज करना भी बता दूंगा आपको, आप यहां से मैनेज भी कर सकते हो। मैनेज करने का मतलब यहां पर क्या होगा कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा नीचे, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी। मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, आपने एक कॉल ऐड की, मार्केट जरा सा ऊपर गया और जो लॉस था आपको वो कम हो गया और आपने यहां से कॉल को हटा दिया। ऐसा भी आप कर सकते हो। अभी देखो क्या हुआ, 200-200 रुपए तक का लॉस चल रहा, हम इसमें कुछ नहीं कर रहे, खाली बैठे हुए, क्योंकि मेरा काम ही मेरा 1300 पे है, तो मैं क्यों 500 रुपए पे या 200 रुपए पे अपने एवरेजिंग करता रहूंगा। जरूरत नहीं है एवरेजिंग करने की। आप अगर नीचे मार्केट आएगा तब आप एवरेज करना, नहीं तो छोड़े रखो। देखो नेकेड कॉल चल रही है, आपको कोई मतलब ही नहीं है इसमें से। हाँ अगर नीचे आएगा 140 पे मैं देखो एक पार्ट और देख लेते हैं 2 मिनट के लिए। अगर 140 पे मैं इसको ऐड करता हूं, देखो मेरा मार्केट यहां पर आ गया 140 पे, ठीक है। मार्केट 140 पे आया, मैं इसे एक मिनट यहां से दिखाता हूं, मेरा मार्केट आ गया 140 पे यहां पर इस जगह पर। और मैंने यहां से क्या किया, यहां पर मेरे को 1000 रुपए का नुकसान चल रहा है, सपोज 1500 जो भी है नुकसान चल रहा है, और मेरी एक कॉल यहां से ऐड हो रखी है, और मैं यहां से क्या करता हूं 2 कॉल ऐड कर देता हूं सीधा, दो या मैंने अगर 10 कॉल ऐड कर दी यहां से, मतलब बड़ी लॉट ऐड कर दिया, तो क्या होगा मार्केट जरा सा ऊपर जाते ही मेरे को यही प्रॉफिट दे देगा, जरा सा ऊपर 1-2 पॉइंट ऊपर चलते ही प्रॉफिट दे देगा। लेकिन अगर मैंने यहां से एक कॉल ऐड की तो मेरा प्रॉफिट मिड पे होगा, और अगर मैंने 2 कॉल ऐड की तो मेरा प्रॉफिट थोड़ा सा इसके नीचे आ जाएगा। मतलब मेरी मर्जी है कि मैं यहां से कितने कॉल को ऐड करता हूं। तो आप यहां से अगर आपको लगता है यहां से सपोर्ट बन रहा है, मार्केट वापस जा रहा है, तो यहां से डबल कॉल ऐड करो, जिससे आपका वो लॉस जो है एकदम से कवर हो जाए। अभी भी देखो मार्केट 1 आवर में कॉल जो है पॉजिटिव में बैठी हुई है, अभी भी पॉजिटिव में बैठी हुई है, और इसका जगह कौन सी है, इसकी जगह ये वाली है, मतलब 180 तक। अगर ये ऊपर जाने लगा 1%, ये ऊपर चल जाता है तो आपका इसका टारगेट क्या होगा बताएं, कॉल का टारगेट क्या लगाना चाहिए आपको? यस जल्दी से बताएं, आपका कॉल का टारगेट ये आसपास होगा या नहीं? बताओ, मैं मार्क कर देता हूं, कम से कम ये होगा इसका टारगेट। और ये कितना आया था, 184.94 185। मार्केट कहां पर चल रहा है, 164 पे, आपका 185 कितने पॉइंट हो गए बताएं, 65 से 85 20 पॉइंट। तो इसका मतलब मार्केट 20 पॉइंट अभी दे सकता है आपको और या नहीं? और 20 पॉइंट का मतलब कितने पैसे होंगे बताएं, 1000 रुपए दे सकता है आपका या नहीं, आप बताएं, कैलकुलेटेड है कि नहीं है सारी चीजें, बताओ पहले से कितना पैसा आपको मिलेगा, कहां मिलेगा, कहां पर ऐड करना है आपको, कॉल को कहां पर ऐड करना है, सब चीजें डिफाइंड है। कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो कि डिफाइंड नहीं है, सारी चीजें डिफाइन है। जैसे अब मार्केट नीचे आ रहा है, अभी ये देखो मार्केट नीचे आ रहा है, 195 का लॉस दे रहा है। आप यहां से चाहो तो इस जगह से 5 मिनट में जाके अपना प्राइस सेक्शन चेक कर सकते हो। आप बताओ क्या प्राइस सेक्शन आपको बोल रहा है कि मार्केट अभी ऊपर चला है? देखो इसके ऊपर चलेगा कि नहीं चलेगा पुरानी वाली कैंडल के प्राइस सेक्शन के हिसाब से। और अगर नीचे आना है मार्केट को तो इसके लो को ब्रेक करना पड़ेगा या नहीं? अगर उनको ब्रेक करेगा मार्केट चलेगा नीचे, आने दीजिए तब 140 पे आने दीजिए, 140 पे हम एवरेजिंग करेंगे और एक के बजाय 2 लॉट के साथ करेंगे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं होगी ना वहां पर। क्यों विनय जी क्या बोलते हैं, पिताजी नितिन जी समझ में आया ये चीज बताएं? क्यों बसंत जी अमृत जी कहीं समझ में आया या नहीं सर? फिर से थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा ना सर।
देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सब चीजें अब रिफाइन करो। हम लोग गलती कहाँ पर करते हैं, गलती ये करते हैं कि पहले तो मार्केट में डरते हैं। देखो मैं डर नहीं रहा हूं, मेरे को पता है मेरे को इसे 168 चल रहा है, 140 पे एवरेज करना है, तो मतलब मैं 140 पे आने का वेट करूंगा, मैं जबरदस्ती बीच में ऐड नहीं करूंगा। फिर भी यही मार्केट, देखो मेरा मार्केट 200 रुपए का नुकसान दे रहा है मेरे को, अगर मार्केट यहीं से ऊपर चला गया तो ये 200 रुपए का नुकसान तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा या नहीं बताओ, या मेरे को इसके साथ पे झंझट करना पड़ेगा, ये तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा अगर मार्केट यहाँ ऊपर गया। लेकिन इसलिए हम इसमें जबरदस्ती नहीं करेंगे। मेरे को क्या लगता है 200 रुपए का नुकसान हो रहा है, कॉल ऐड कर दो, अक्सर ये दिक्कत होती है तो हम यहाँ पर कॉल ऐड करना शुरू कर देते हैं। ये मत करें, देखो मार्केट ऊपर चल रहा है, ये नुकसान अपने आप कम हो रहा है कि नहीं, तो मेरे को इसके डरने की क्या जरूरत है। लेकिन हाँ, डरने की कब जरूरत पड़ेगी, जब मार्केट नीचे आएगा तो मेरे को डरने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट में नीचे का मैनेजमेंट मेरे पास होना चाहिए। तो अगर मैं पहले से बोलता हूं कि ये मार्केट का 140 थी पोजीशन, 140 पे मेरे को ऐड करने हैं, तब ऐड में कितने कर सकता हूं, क्योंकि वहां पर मेरा कम से कम 1000-1300 का लॉस चल रहा होगा, तो वहां पर अगर मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मार्केट ऊपर चल रहा है तो मैं वहां पर डबल लॉट ऐड करूंगा, एक के बजाय डबल लॉट। देखो मार्केट आ रहे हैं नीचे, मार्केट आ रहे हैं नीचे, आप चाहो तो यहां पर, चूंकि मार्केट अब नीचे चला, इसके नीचे नहीं आया, इसके नीचे नहीं आ रहा, देखो मार्केट अभी आने देते हैं और कहां तक आने देंगे, मैं थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूं, मैं इसको यहां तक कम से कम आने दूंगा, ये पॉइंट राइट है। यहां से हम कुछ कॉल को ऐड करेंगे नीचे से, मार्केट अगर यहीं से इसके ऊपर चला तो हम यहां से भी पक्का ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी अपनी एक्सपर्टीज है कि आप क्या करते हो, तो मार्केट को हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर मार्केट चला तो मार्केट, क्योंकि सपोर्ट के पास में, अक्सर मार्केट क्या करता है, सपोर्ट के पास में लो के नीचे नहीं आता, और यहीं से मार्केट यहीं पर ही ट्राई करता करता ऊपर निकल जाता है, ये भी कर देता है मार्केट। तो मार्केट को हमें थोड़ा सा वेट करना है, अभी देखते हैं मार्केट क्या करेगा, और एकदम से मैं नहीं इसमें ऐड करूंगा कुछ भी। नीचे आने पर, जैसे ही मार्केट नीचे आएगा, नीचे आने पर मैं ऐड करूंगा, और वो मेरी पोजीशन पहले से डिफाइंड है, ये रहा मेरा मार्केट, कहां पर मेरे को ऐड करना है मार्केट को, मेरे को इस पोजीशन पे ऐड करना है यहां पर, और ये पोजीशन मेरी बनती है 140। तो जब तक 140 पे नहीं आएगा तब तक मैं ऐड नहीं करूंगा राइट। यहां पर से अगर देखेंगे, देखो मार्केट ऊपर चल रहा है, ऊपर चलना शुरू हुआ, आप चाहो तो देखो मैं यहां से ऐड करके दिखाता हूं आपको, ये मैंने ऐड किया, देखो अब मैंने यहां पर 100 क्वांटिटी कर दी है, अब मैंने यहां से 100 क्वांटिटी कर दी, अब देखो मेरा लॉस कम हो गया कि नहीं हो गया बताओ, हो गया आपके सामने चल रहा है कि मेरा लॉस कम हो गया, देखिए चल रहा है मार्केट ऊपर। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा लॉस यहाँ पर कम हो गया तो 165.95, 166.1, तो मैं इसे 166.2 पे मैं इसकी एक क्वांटिटी को यहाँ पर से कम कर देता हूँ। मैंने क्यों कम किया ये बताता हूँ, देखो 166.2 पे मैंने किया, 166 आ गया है तो 166.2 पे एक क्वांटिटी मेरी हटाएगा यहाँ से, देखते हैं अभी ऊपर जाएगा तो जैसी, तो ये मार्केट 166.2 पे मेरी क्वांटिटी हटाएगा, चलने देते हैं अभी इसको आराम से, और चलने देते हैं इसको, और अगर मार्केट वहां से ऊपर गया तो वहां से 166.2 पे मेरी एक क्वांटिटी को हटा देगा। वैसे तो हमारे पास ऊपर भी चेक करने के लिए कि मेरे को कहाँ हटानी चाहिए, यहां पर मेरे को दिख रहा है कि मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, लेकिन फ्यूचर सॉरी ऑप्शन में भी तो मेरे को दिख रहा होगा ना मार्केट कहाँ जाएगा। देखो यहां से दिखाता हूं, मार्केट अगर इसके ऊपर चलेगा और 5 मिनट में भी मैं यहां से दिखाऊंगा, तो जब मार्केट यहां पर पहुंचेगा, इस कैंडल के 5 मिनट के ऊपर पहुंचेगा, तो यहां पर भी तो इसके ऊपर पहुंचेगा, तो मेरे को कहां पर लगाना चाहिए अपना टारगेट बताएं, 167.99, तो 168 पे टारगेट लगाना चाहिए या नहीं बताओ। हाँ या नो, पॉइंट समझ में आया या नहीं आया, पहले तो ये बताएं जल्दी से, गया हमारा टारगेट, हमारा टारगेट निकल गया या नहीं के निकल गया, आपने आप जा चुका। अब मेरा दूसरा टारगेट कहां होना चाहिए, देखो ये इसी के अकॉर्डिंग दिखा रहा हूं, मेरा मार्केट जब यहां पर पहुंचेगा ये वाले पॉइंट पर, ये कौन सी कैंडल है, ये 21-11 वाली, 21-11 वाली कैंडल मेरी यहां पर है, तो
तो मतलब 168 पे, 169 पे मेरा टारगेट दूसरा होना चाहिए इसका। तो अगर ऊपर चलेगा तो मैं इसे 169 पे टारगेट लगा के छोड़ूंगा। 70 का दीजिए, 170 का दीजिए, वैसे तो छोड़ ही रहते हैं, ठीक है चलने देते हैं इसको। तो देखो क्या हुआ, मेरा जो आपका 300-400 का लॉस था, देखो कोई मैं एसएल यूज नहीं कर रहा हूं, कोई मेरा ना एसएल है ना कुछ है। मार्केट में क्या होगा, मेरे को पहले से पता है मार्केट नीचे आएगा तो मेरे को क्या करना है। अभी देखो क्या हुआ, जहां मेरा 300-400 का नुकसान चल रहा था, मैंने एक को नीचे और ऐड करके और उसे हटा के मैनेज कर दिया कि नहीं, अब मेरा लॉस कम हो गया कि नहीं बताए। क्यों प्रकाश जी, समझ में आया कि नहीं जी? बसंत जी, अमरीश जी, और समझ में आया? तो अब मार्केट अगर ऊपर चलेगा तो फिर मेरे को प्रॉफिट दे ही देगा, लेकिन नीचे से मैं केवल मैनेज कर रहा हूं। देखो नीचे की क्वांटिटी जो मैंने 50 ऐड की थी वो हटा दी कि नहीं हटा दी? मैं उसे रख नहीं रहा हूं ना, रखा नहीं है मैंने उसे। अब देखो मार्केट दोबारा नीचे आएगा, दोबारा नीचे आएगा, तो जैसे ही मार्केट नीचे चलेगा, मेरा तो 1300 पे तो मेरे को करना ही करना है, उस पर तो मैं ऐड करूंगा ही करूंगा, लेकिन मैं यहां बीच बीच में से ऐड करके अपने लॉस को कम कर सकता हूं यहां पर। इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे फर्क ये पड़ेगा कि जो आपका एवरेज प्राइस है, एवरेज प्राइस वो आपका कम हो जाएगा। 1950 मैंने कहां पर बाय किया था, देखते हैं, ये दिखा रहा है 166.45। 1750 कहां पर है, देखो मैं दिखाता हूं आपको, 1750 का मैंने कहां पर बाय किया था, ये कंप्लीट हुआ। 1750 का मैंने बाय किया था 164.9, नहीं और भी नीचे हमने क्या बताया, ये 168, तो 168 पे हमने बाय किया था इसे, देखते हैं 168 पे मैंने इसको बाय किया था। तो कहां पर बाय हुआ था, 168 पर, यहां पर ऊपर, एक मिनट मैं इसे देखता हूं, तो 168 पे बाय हुआ था। क्योंकि मैंने नीचे से बाय कर लिया, नीचे से एक और बाय किया, तो अब मेरा एवरेज प्राइस कितना बन गया, 166। तो 168 से मेरा एवरेज प्राइस घट के आ गया 166.45, देख रहे हैं? तो ये मेरा एवरेज प्राइस नीचे चाहता जा रहा है, जैसे जैसे मैं बाय करके एवरेज करता जा रहा हूं, और जैसे ही मार्केट ऊपर निकलेगा तो मेरे को मार्केट प्रॉफिट दे देगा ये। तो ये आपका कॉल का सिंपल सा सिस्टम है, आप इसको आराम से बाय करके रख सकते हैं, आराम से ऊपर चला जाएगा मार्केट, आपको प्रॉफिट देके निकल जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि कॉल को आपको बहुत सारी लॉट के साथ ही ऐड करना है, हेजिंग करनी है, हेजिंग भी कर सकते हो आराम से। ये देखो चला मार्केट ऊपर, यहां पर भी आपको दिख रहा है कि मार्केट देखो क्या कर रहा है, मार्केट ने केवल सोचने का जगह है, देखो मार्केट इसके नीचे नहीं जा रहा है और मार्केट फिर से एक बाय पोजीशन उठाने की कोशिश कर रहा है, ये देखो इसके ऊपर जा रहा है मार्केट। तो आपका टारगेट क्या होगा, अगर मार्केट यहां पर पहुंचता है जहां पर मार्केट सुबह अपना हाई बना के आया है, इसका मतलब मार्केट का टारगेट ये है। तो मेरे को क्या टारगेट लगा के रखना चाहिए, मेरा टारगेट है ये वाला 174 का, राइट है? तो 174 पे मेरा एक टारगेट अचीव होता है, तो मेरे को इसका टारगेट कितना लगा के रखना चाहिए, मेरा इसका टारगेट होना चाहिए 174। तो मैं इसका 174 का टारगेट लगा देता हूं, ये देखो लिमिट पे मैंने 174 का टारगेट लगा दिया। तो मार्केट अगर ऊपर चलेगा 174 का टारगेट अचीव करके मेरा निकल जाएगा, राइट है? तो आप देखो हमने पूरे ट्रेड भी ले लिए, ट्रेड भी ले लिए, हमने ट्रेडिंग भी करी। तो आप चाहो तो ऐसा भी कर, हाँ जी सर, टारगेट लगाए सर, लेकिन जब तक मार्केट जो साइडवेज रहा है तो सर डिके होगा ना सर, वो हाई क्रॉस नहीं करता। एक वनडे में पता है, वनडे में अमरीश जी बहुत ज्यादा डिके नहीं होता। देखो आपके सामने मेरा चल रहा है, कितना डिके चल रहा है आप बताओ, घंटा भर तो अमिति हो गया काम करते हुए, आप बताओ कितना डिके, आप ही बताओ कितना डिके होगा, आपके सामने ही चल रहा है, नहीं है डिके? आपको कब मिलेगा, जब एक दिन से दूसरे दिन में जाओगे तो डिके है, क्योंकि इंडेक्स का टारगेट और इसका टारगेट अचीव नहीं हो रहा सर, होता सर वैसे किसमें, इंडेक्स का जो अपन हाई लगाए वाले है वही टारगेट अगर इसका ऑप्शन कर रखे तो वो वहां तक अप्रोच नहीं होता सर, वो नहीं हो जाता है पक्का हो जाता है। मैं तो रोज करता हूँ, रोज मिलता है मेरे को तो टारगेट ये, मैं तो देखो अगर ना होता तो मैं सीधा मना कर देता नहीं होगा, लेकिन अगर होता है तो मैं क्यों मना करूंगा, आप बताएं, होता है तो मैं क्यों मना करूंगा? देखो आपका मार्केट इस समय, देखो एक पॉइंट को समझाता हूं,
ध्यान से समझना, देखो एक पॉइंट पे है ये मार्केट, इस कैंडल के, ये रेड वाली कैंडल के ऊपर चल रहा है कि नहीं चल रहा बताओ, चल रहा है? यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी मार्केट देखो इसके आसपास चल रहा है, बराबरी में चल रहे हैं कि बराबरी में चल रहे हैं कि तो सर कंपेयर कर, सर कंपेयर करते होगा, जब तक इंडेक्स का, इंडेक्स ने अगर ब्रेकआउट दिया होगा तो ऑप्शन में भी ब्रेकआउट देना जरूरी है क्या सर? फिर नहीं ब्रेकआउट होगा नहीं, लेकिन आसपास होगा, उसके आसपास होगा राइट ना? नहीं आप परसों दिन में क्लास में जैसा बताए थे आप कि इंडेक्स के ऊपर पिवोट के ऊपर उन्हें आया था, लेकिन इंडेक्स के ऊपर पिवोट, अब ऑप्शन के ऊपर पिवोट के ऊपर जब तक नहीं आता जब तक अपन बाय नहीं करना, ऐसा बताए थे? नहीं उसमें पता है आप एक काम कर सकते हो, देखो इसको तो मैं हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है, एक पॉइंट समझो, एक देखो ऐसा हो सकता है कई बार आपके साथ में, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट वो पॉइंट मिलता है, देखो कई बार क्या होगा कि देखो ये चल दिया ऊपर, चल दिया ठीक है, अभी यहाँ पर एक पॉइंट समझना है, देखो ऐसा हो सकता है कि निफ्टी जो है, मैं एक मिनट यहां से समझाता हूँ आपको, ये भी सब हटा देता हूँ, एक मिनट लीजिए, एक पॉइंट समझते हैं, देखो मार्केट बाय में जाने की तैयारी कर रहा है, फिर से एक पॉइंट समझाता हूं, देखो ऐसा हो सकता है कि निफ्टी जो है ना, निफ्टी अपने सपोर्ट के ऊपर बैठा हो पीवर्ड के ऊपर राइट है, लेकिन जो ऑप्शन है वो नीचे बैठा हो, ऐसा क्यों होगा भाई? हम तो बोलते हैं ऑप्शन भी तो बराबर चलना चाहिए कि नहीं, जहां आपका निफ्टी चल रहा है यही ऑप्शन चलना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता कि देखो ये डिपेंड करता है एक्सपायरी पर, समझे? अब मैं आपसे बोलता हूं कि निफ्टी तो यहां पर सपोर्ट पे बैठा है, लेकिन अब जो ऑप्शन है ऑप्शन में केस हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है आप बहुत दूर की एक्सपायरी ले रहे हो, नहीं सर राइट है, एक्सपायरी का एटीएम भी लिया तो भी डिफरेंस दिखता सर, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन आप किसको मेजर करोगे? आप ज्यादा कंसंट्रेट, ज्यादा फोकस करोगे अपने निफ्टी के ऊपर, देखो ऐसा होगा कि अगर निफ्टी सपोर्ट पे आ गया ना, निफ्टी सपोर्ट पे आ गया और ऑप्शन अगर नीचे भी बैठा है ना, नीचे भी बैठा है, इसकी मजबूरी है इसको ऊपर आना, मजबूरी है, आ ही जाएगा इसको ऊपर। सर जब पिवोट, जब ऑप्शन का पिवोट ही क्रॉस करने के बाद ही ट्रेड लेना ठीक रहेगा क्या सर? नहीं 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 नहीं, ये मत करना, ये मत करना, निफ्टी, निफ्टी अगर आपका सपोर्ट पे आ गया ना, अगर ऑप्शन अपने पिवोट के नीचे भी ट्रेड कर रहा है तो भी आप, आपका ऑप्शन बाय हो जाएगा, आप आराम से कर सकते हो, फोकस आपका इस पे करना निफ्टी पर। देखो मैं इस पे कहां पर फोकस कर रहा हूँ इस समय बताए, मैं कहां फोकस निफ्टी पे कर रहा हूँ कि नहीं? इंडेक्स के ऊपर सर। मैं देखो ऑप्शन का चार्ट मैंने आपको दिखाने के लिए खोला है, मैंने खोला थोड़ा ना था, आप मेरे को बताओ, अगर मैं इसे यहां पर छोड़ देता हूं, चलो एक पॉइंट आपको यहीं से दो मिनट के लिए, फिर क्लास को रोकेंगे, यहां पर जरा एक पॉइंट समझाओ, मैं अगर बाय करने की सोचूंगा तो मैं कहां करूंगा इस समय बताए? अगर मैं अभी यहां बाय नहीं करना चाहता तो मैं यहां पर बाय करूंगा 140 पर बाय या नहीं? ओके होगा क्या नहीं? लेकिन मैं यहां पर देखूंगा क्या? यहां पर देखो मैं दो पॉइंट देखूंगा, उस पॉइंट को समझना, मैं यहां पर क्या देखूंगा, ऐसा हो सकता है कि निफ्टी घूमता हुआ वन इस पे आ जाए यहां पर, लेकिन यह भी हो सकता है कि आपका ऑप्शन बहुत तेजी से गिरता है, हो सकता है ऑप्शन यहां से गिर के यहां बैठा हो, यह भी तो हो सकता है या नहीं? वही होता है हो जाता है, कोई इसमें नई बात नहीं है, लेकिन आपको नजर किस पे रखनी है? इस पे नजर नहीं रखनी, आपको ज्यादा फोकस करना है इस पे, मार्केट यहां पर से रुकने के बाद ऊपर चलना चाहिए या नहीं? अगर ये ऊपर चलेगा तो ये अपने आप सपोर्ट पर आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत तेजी से मूव करता है, मतलब हम सोचेंगे मार्केट इस सपोर्ट पे आएगा तो मार्केट तो शूट एकदम से करता है, देखो ये बड़े बड़े शूट होते हैं कि नहीं, तो मार्केट तो एकदम शूट करके ऊपर आ जाएगा, लेकिन इसका सपोर्ट पे होना जरूरी है या नहीं? देखो इसको ऐसे समझो कि मैं आपको एक पॉइंट और दिखाता हूं, मार्केट यहां पर था, जरा समझना, 1693, एक मिनट मैं इसको वैल्यू ले लेता हूं, अगर मैं यहां से इसको चेक करता हूं इस पॉइंट से, तो कहां पर मार्केट आज खुला? देखे मार्केट खुला यहां पर, कितने पॉइंट ऊपर खुला? 78 राइट। अब आपका ऑप्शन कितने पॉइंट ऊपर खुला जरा ये भी बता दे, मार्केट था यहां पर इस जगह पर, ठीक है, इसका भी मैं वैल्यू ले लेता हूं, मार्केट में ऑप्शन कितने पॉइंट ऊपर, क्या ये भी 78 पॉइंट ऊपर खुला? देखे कितने पॉइंट ऊपर खुला,
अप्रोक्सीमेटली 30, मतलब ये आपका 78 पॉइंट खुला और ये 30 पॉइंट ऊपर खुला, बराबरी पे नहीं खुल रहे ना, ये डिफरेंस क्यों? बराबर से नहीं खुलेंगे। हेलो सर, बराबर पे है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, सर एक्चुअली यहाँ पे एक घंटे का सुपर ट्रेन भी है, एक घंटे का सुपर ट्रेन भी है और प्लस पॉइंट भी है। ये मार्केट यहाँ पर सपोर्ट पे बैठा हुआ है, अगर मार्केट आपको बाय दे देगा, मार्केट बाय में निकला हुआ है, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन ले रहा है। हाँ, मार्केट उसके ऊपर निकल जाएगा, मार्केट ने जाना है उसके ऊपर। देखो एक घंटे का, एक घंटे का रेजिस्टेंस कहाँ पर है, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे इस पे तो रेजिस्टेंस दिख रहा है। देखो मैं तो आपके सामने ही लगा रहा हूँ, सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड, सुपर ट्रेंड हो सकता है, सुपर ट्रेंड हो सकता है। मार्केट का जो पिवोट है ये तो नीचे है और रेजिस्टेंस देखो ऊपर होगा, तो सुपर ट्रेंड हो सकता है, सुपर ट्रेंड हो सकता है यहाँ पर पक्का, ये सुपर ट्रेंड हो सकता है। और वो भी सुपर ट्रेंड कितने का है आपका, कितने का लगा रहे हो? 10-2 का लगाया, ये हो सकता है 10-2 का सुपर ट्रेंड आ रहा हो सकता है ये, ठीक है, उसमें कोई नया नहीं है। ये 10 आ गया और 2 आ गया, तो इसको आप करके देखना एक बार, करके देखोगे तो समझ में आएगा। देखो सुपर ट्रेंड है मार्केट में, देखो ये सुपर ट्रेंड आपका माइनस में आया था और अभी इसके ऊपर गया नहीं है, नहीं गया। इसको आप और भी तरीके से चेक कर सकते हो कि अगर मैं इसको सुपर ट्रेंड के ना भी लूं, इसको मैं ऐसे ही ले लूं और मूविंग एवरेज भी ले लूं, तो मूविंग एवरेज में एक आप 5 का मूविंग एवरेज साथ में डाल दो, 5 का मूविंग एवरेज बहुत अच्छा होता है, तो 5 का मूविंग एवरेज साथ में डाल दिया मैंने और ग्रीन कर दिया इसे। आप बताओ 5 के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया क्या मार्केट ने? मतलब देखो ये 20 का मूविंग एवरेज है, मार्केट नीचे आ गया था, देखो 5 का मूविंग एवरेज नीचे, तो क्या इसने क्रॉस कर दिया? अभी नहीं करा, नहीं किया। इसका मतलब मार्केट अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, अगर अभी अगले एक घंटे में ये आपका क्रॉस करके ऊपर आ गया तो ये ऊपर चला जाएगा या नहीं? चला जाएगा। अगर मैं ऐसे ना बोलूं, ऐसे ना बोलूं और मैं इसको क्लाउड बेस पर बात करता हूं, तो ये क्लाउड है। मार्केट देखो कहां पर बैठा हुआ है, मार्केट सही जगह बैठा हुआ है या गलत बताए? ये मार्केट डाउन में था, दोनों लाइन के ऊपर है, तो मार्केट इस समय बाय में बैठा हुआ है, लेकिन देखना है कि मार्केट की एक घंटे की कैंडल कहां पर बन गई। हाँ जी, ये 3 नंबर का बाय है ना? हाँ, ये 3 नंबर का, 3 नंबर का बाय नहीं है, 3 नंबर का बाय तो नीचे से उठता यहां से, ये 3 नंबर का बाय नहीं है, 2 नंबर का ही बाय बना आपका। 3 नंबर देखो नीचे तक आया नहीं ना, क्लाउड तक कहां आया 3 नंबर का बाय, राइट ना? तो वो तो क्लाउड पे मिलता है, तो ये 3 नंबर का बाय नहीं है, ये तो 2 ही नंबर का बाय उठाया अभी। अब यहां से मार्केट आराम से ऊपर जा सकता है, यहां से अगर मैं इसको 5 मिनट में देखता हूं, तो 5 मिनट में कहां किसके ऊपर जाना चाहिए बाय के लिए बताएं? ये देखो मार्केट ऊपर गया, ये नीचे आया और इसके ऊपर अभी क्लोजिंग, देखो क्लोजिंग करी मगर उसके ऊपर गया नहीं, तो मार्केट को जैसे इसके ऊपर चलेगा तो ये बाय बना देगा कि नहीं? क्या आपका बेसलाइन उठ रही है ऊपर बताएं? नहीं उठ रही है, देखो बेसलाइन नीचे ही बैठी है, बेसलाइन ऊपर नहीं उठी। अगले 5 मिनट में, मतलब कितने होंगे 26, अगले 5 मिनट में मार्केट की बेसलाइन को उठना चाहिए या नहीं? अगर उठेगा तभी तो बाय में जाएगा। चीका उस पैन कहां पर आ रही है जरा बताएं, चीका उस पैन कहां आ रही है घूमती हुई? यस, चीका उस पैन पास में है या दूर में है बताएं जरा? अभी अभी तो दूर बैठी है, पास तो आई नहीं है। मार्केट अगर उसके ऊपर चलेगा, देखो एक पॉइंट है बस, अगर मार्केट नीचे गिरा तो कहां तक आ सकता है जरा बताएं, कहां तक आने के चांसेस है? मार्केट अगर नीचे आया तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्लाउड तक आ सकता है और ये आपका एक सपोर्ट लेवल भी है, तो मार्केट का यहां से दोबारा बाय देखने को मिल सकता है, राइट है? इसी चीज को हमें और कैसे चेक कर सकता हूं, इस चीज को आप मूविंग एवरेज को छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाओ, एक मिनट पर। ये देखो एक मिनट पे अगर मैं देख रहा हूं तो मार्केट देखो ये डाउन में आया था और अभी मार्केट इसके ऊपर चला नहीं है, तो मार्केट की वेव कहां पर बनी है? कम से कम बाय कहां पर होता है आप बताएं? अभी कम से कम बाय इसके ऊपर तो होता है कि नहीं? क्यों क्यों बता दिए विनय जी, कम से कम बाय उसके ऊपर तो होता है कि नहीं बताओ?
यस सर। तो ये आपका एक मल्टीपल रेजिस्टेंस भी, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो मल्टीपल रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है। तो मार्केट को इसके ऊपर आपका कोई बाय बनना शुरू होगा जब भी मार्केट जाएगा। ये देखो चल रहा है, एक घंटे का 20 का 50 का क्रॉस ओवर हो रहा है। तो ये पॉइंट है छोटे छोटे से, ठीक है, पॉइंट है छोटे छोटे से। तो अगर आप सोचोगे तो आपको बाय मिल जाएगा वहीं से। तो ऑप्शन कोई भारी चीज थोड़ना है कि आपका होगा ही नहीं, ऑप्शन तो बड़े आराम से हो सकता है। देखो हमने इतने निकाले भी है, देखो हमने पैसे भी निकाल दिए अपने, निकल चुके हमारे, और हमारा होल्डिंग कहाँ पर है, देखो होल्डिंग भी हमने चला रखा है सारा का सारा। ये होल्डिंग हमने छोड़ा पड़ा है, पता है कि मार्केट ऊपर आ जाएगा, हमें प्रॉफिट दे ही देगा, होल्डिंग में भी कोई इश्यू नहीं है, होल्डिंग में सब चल रही है हमारी, राइट ना। तो चलिए क्लास को यहाँ पर रोकता हूँ मैं, और कल हमारी क्लास होगी, कल नहीं, आज ट्यूजडे हो गया, वेडनेसडे, कल हमारी लास्ट क्लास होगी। तो मार्केट में कोशिश करना कि प्लीज सब लोग प्रेजेंट रहे, 8 बजे हम लोग क्लास शुरू करेंगे, राइट है। और लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मॉर्निंग की लाइव क्लास आपकी चलती रहेगी, तो इसे मिस मत करना, राइट है, इसे मिस करना, क्योंकि इससे आपको सीखने को मिलेगा बहुत। लिंक वही रहेगा, लिंक में कोई चेंज नहीं, लिंक वही रहेगा। अगर आपको कभी कोई इशू आ जाए, तो सीधा मेरे को रिंग कर देना, राइट है। ओके सर, राइट ना। चलिए मैं रोकता हूँ अभी क्लास।